और तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमत कुछ उठाओ। आप सबको वेलकम है एक और ट्रेनिंग सेशन में रिगार्डिंग की अडोर का ट्रेनिंग सेशन है। इस वक्त आज का जो दिन है डेट किसको याद है क्या है? फोर दिसंबर। बिल्कुल स्लाइड में भी लिखा हुआ है 5 दिसंबर मगर हमें समझा 4 दिसंबर। जी जी बिल्कुल। आप सबको आने का शुक्रिया और मैंने देखा कि टाइम को जितना अच्छा आप लोगों ने फॉलो किया एक काबिल तहसीन अमल था आप सबकी तरफ से वक्त से पहले आने का। मुझे देखिए इसमें नजर आ रहा होगा ये एक लाइन है मुझे पता है इंग्लिश में लिखी है पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होगी कोई ट्राई करना चाहिए क्या लिखा हुआ है फेलियर इज और पर्पस कोई इसको मुझे बता समझा देगा क्या है? नकामी यतीम है बड़ी मजेदार बात है नकामी यतीम है। अच्छा इससे पहले ना मैं आपको एक और वाक्य सुनाता हूँ क्योंकि आप लोगों ने टाइम की अच्छी पाबंदी की है रात में ना वो इत्तेफाकन किसी और चीज के लिए ना हम सारे बैठे वो सोनू शर्मा है इंडिया का बिजनेस स्पीकर है उसने ना कहा कि ये $100 है आप लोगों से कौन लेना चाहेगा तो काफी ज्यादा लोगों ने हाथ खड़े किए और काफी लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए तो उसने बोला कि लेना तो सबको है मगर मसला है कौन हाथ उठाए कौन हाथ खड़ा करे और कौन करे तो लोग इसीलिए उसे क्या कहते हैं मैं एक वर्ड यूज करता होता हूँ आकर्ष। अच्छा मैंने वैसे इस वक्त अपनी जो मेरी अपनी डिजिटल कंपनी भी है उसमें या कभी कभार अडोर में भी चीज कहता होता हूँ मैं कहता हूँ कि सबसे नहला निकट्ठा निकम बंदा कंपनी का कौन है वो नया बंदा है ना बड़ा परेशान हो जाता है पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं मेरी बात कर रहे हैं वो कहते हो मैं हूँ मगर मेरे को मुझे दूसरा नहीं चाहिए मैं अकेला काफी हूँ एक कंपनी में काफी है मेरा ना हॉस्पिटल की आप लोगों को पता ही होगा मैंने वहां पे एक रूल रखा हुआ है बड़ा सिंपल रूल रखा हुआ है मैं कहा वैसे मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा ऊंची नहीं बोलूँ मेरा रूल है कि मेरे से बात किसी को ऊंची नहीं चाहिए जिस वक्त ऊंची हो जाए वो हाले चला जाए। अच्छा वो तो जनरल मैं आप लोगों को वैसे बता रहा हूँ। अच्छा मगर आप मुझे एक उस इंसान के बारे आपको पता है कि अगर हम पढ़ते हैं कुरान मजीद को पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि हमारा वक्त एक मुकर्र है जिसमें हम इस दुनिया में रहने इसके बाद हमें आगे चले जाते हैं हर सेकंड बड़ा कीमती है और उसके बावजूद आपने इतने सेकंड लेट कर दिए वैसे बड़ी जाति की बात है। वैल्यू हैज अ वैल्यू ओनली इफ इट्स वैल्यू इज बीइंग वैल्यूड किसी को सुनी हुई चीज नहीं ना सुनी हुई इस लाइन को बार में समझेंगे आप लोगों ने तब तक इसका मतलब निकाल लिया चुके हम आगे वाली स्लाइडों पर जाते हैं बट बिफोर आई शुरू करूं मैं चाहता हूं कि आप इस तरह की तरह आप लोगों ने देखी क्योंकि स्लाइड चाहते हुए तो मैं चाहता हूं कि एक एक्टिव पार्टिसिपेशन आप सबकी तरफ से आए मैं आपसे सीखूंगा आप मुझे सीखेंगे मैं आपसे कम सीखूंगा सॉरी मैं आप मुझसे कम सीखेंगे मैं आपसे ज्यादा सीखूंगा। आज का जो लेक्चर है इसमें मैंने आप लोगों से सीखना है क्या चीज है क्या है तो कुछ जो स्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं है उनमें इतना टाइम नहीं जाया करना चाहता हम आगे चलते हैं। मुझे ना एक कुरान की आयत बड़ी पसंद है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कोई मेरे लिए पढ़कर सुना सके एक तो मैंने पढ़ी थी इन अल्लाह व मलाइकातु युसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा कोई इधर से मुझे इसका तर्जुमा कर दे सर हमजा भाई जी कर दीजिए पढ़ दें दोबारा इसका मतलब क्या है कोई इसका मुझे मतलब बता दे आप आप मुझे बता रहे हैं आपके साथ तो डिस्कस होगी अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद हो चाहे ईमान वालों आप भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजिए। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से तो शुरू करते हैं एक दफा दुरूद भी भेजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा वो मुझे लाइन याद है वेरीली अल्लाह हैज ब्लेस्ड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो अल्लाह एंड हिज एंजल्स बिस्टोड अपॉन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो एज सो द फॉलोअर्स यू आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू डू द सेम। अच्छा ये भाई ठीक क्या थी बोला फेलियर इज एन ऑर्फन नाकामी यतीम एक और लाइन मैंने से पहले बोली थी आप लोगों को याद रखने के लिए वो क्या है मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक्टिव कितने मेरे साथ वो क्या थी वो थी क्या वैल्यू द वैल्यू हैज अ वैल्यू ओनली इफ इट्स वैल्यू इज बीइंग वैल्यूड इस लाइन पे वापस आएंगे दोबारा। अब ये क्या लाइन है नाकामी यतीम मैंने ना एक साल पहले एक जगह पर पढ़ी थी कि कामयाबी के कई सरबराह नाकामी यतीम है मगर इस लाइन को जितना अच्छा हसन भाई कराची से समझा सकते हैं और कोई नहीं समझा सकता तो हसन भाई कुछ आप कहना चाहिए इस बारे में क्या लाइन
ناکامی مطلب یقین ناکامی صحیح ہے, مطلب جو بھی فیلئر ہے اس پہ اپنے سیکھنا چاہیے اس سے. صحیح ہے. نہیں مثال کے طور پہ مثال ایسی ہوئی, میں آپ کو مثال کے طور پہ کریڈٹ کی بات ایسا کرتے تھے, ہم جب آ رہے تھے نا ہوٹل وغیرہ سلیکشن کے لیے کہ ایونٹ کہاں پہ کرنا ہے, تو ہوا یہ کہ ہم نے یہ ہوٹل سلیکٹ کر دیا. سر میں نے کہہ دیا کہ یار یہ ہوٹل کا کھانا بڑا زبردست ہے, تو ایکچولی میں نے کیا کچھ بھی نہیں, سر لائن کہہ دی کھانا بڑا. اب اینڈ میں میں نے سر روحا ڈال دیا کہ سر میں کہہ رہا تھا نا کھانا یہاں کا بڑا اچھا ہے, کیونکہ مجھے پتا یہ چیز اپروو ہو گئی ہے تو میں نے بھی اس میں حصہ ڈالا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں بھی کئی سر پر آیا, اور اگر یہ چیز بری ہو جاتی تو کیا کہہ رہے تھے, میں نے تو کہا ہی نہیں تھا, میں نے تو کہا تھا بس کہ کھانا یہاں کیسے جگہ تو جی نہیں یہ آ گیا ہے جگہ فاضی. تو جب یہ زندگی کا اصول ہے, یہ زندگی کے بیٹھے سر بیٹھے زندگی کی ایک لائن ہے کہ اچھا اس لائن کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. میں آدھی آدھی چیزیں آپ کے سامنے چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں, آپ پھر آ لو گے کیوں وہ میں آگے بتاؤں گا, مگر اس سے پہلے مجھے کوئی آپ لوگوں سے سکھانا چاہتا ہوں, میں اس لائن سے جو اصل میں ادھر ہوگی نا اس لائن سے یا ادھر سے کوئی مجھے بتانا چاہیے کہ سیل مین کون ہوتا ہے. تو پہلے عمیر بھائی سے پوچھتے ہیں, سیل مین ہوز دا سیل مین؟ ہاں آپ مجھے اردو میں بھی بتا سکتے ہیں انگلش میں بھی بتا سکتے ہیں. سمپلی اپنی آئٹمس کو اپنی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کر کے اچھے طریقے سے پریزنٹ کر کے سیل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ کیلا کی پلیز آپ سے اور کوئی اس کے علاوہ بتائیں, تھیوریٹیکل وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں, کوئی بھی آپ مجھے اردو میں جیسے مرضی میرے سمجھ آ جائے گا. سر سر اپنی پروڈکٹ کے بارے میں پتہ ہو تو پھر آپ اس کو اچھی طرح سے اگلے بندے کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز فیچر جو سیل مین یہ تو اس کی خوبی ہے, مگر سیل مین کیا ہے؟ چیز کو فروخت کرنا, چیز کو فروخت کرنا اپنی چیز کے سب سے پہلے اپنے آپ کو فیل کر دیا, اپنے آپ کو یہ تو بینیفٹ ہے نا. یہ سیل مین کیا ہے سر؟ بیچنے والی چیز کے مثبت پہلو بتا کر اس کو سیل, یہ تو تعریف ہو رہی پروڈکٹ کی, پروڈکٹ کے آپ سب نے صحیح کہا تھا کہ ویسے وہ کہتے ہیں بابے سے مدد نکالا تھا. اچھا ایک آپ نے دو باتیں جو دیکھی, ایک تو بات میں کوئی باپ تھا, تو میں نے ایک دفعہ جب اکاؤنٹنگ بیٹھا تھا نا تو اس نے نا کیجیے نے کہا کہ ڈیفائن بزنس. اچھا آپ کو پتا کہ کلاس ایٹ مجھے پہلے گوگل سے چیک ملا تھا, میں نے کہا یار مجھے 3-4 سال تو کام کرتے ہیں مجھے بزنس کی ڈیفینیشن نہیں آتی, انہیں مجھے ڈیفائن بزنس تو وہ میں بھول گیا, سمجھ گیا کہ کیا ہے. بابا ٹیچر نے بتایا کہا اینی لیگل ایکٹیویٹی ٹو ارن منی از نون ایز بزنس. آسان ہے کوئی ایکٹیویٹی, لیگل ایکٹیویٹی سے پیسے کما سکتے ہیں بزنس کرتے, کتنی آسان تھی. اب انہوں نے کہا کتنی کم مجھے جگہ دی ہے یہاں سے یہاں جانے کے لیے, مجھے تو مزے نہیں آ رہے یہاں سے یہاں آگے آگے جاتے ہیں, کتنی پرابلم ہوئی. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کسی بھی چیز کے بیچنے والے کو سیل مین کہتے ہیں, کسی بھی چیز کے بیچنے والے کو سیل مین. آسان ترین ڈیفینیشن, کسی بھی چیز کو بیچنے والے کو سیل مین کہتے ہیں. مطلب آپ سارے تو سیل مین ہی ہیں, ایسے ہی ہے نا, بیچ رہے ہیں کچھ لوگ چیز بیچ رہے ہیں. یہ میرے لیے اب تک جس نے نہ بولا اس کے پاس سب سے آسان چانس ہے بولنے کا, نہیں تو میں کسی اور مشکل سوال میں سے پکڑ ہی لوں گا. اپنے کردار پر ڈال, فیصل آپ کا نام فیصل ہے نا, سر جمیل کیا تھا, کیا یہ پڑھے ذرا یہ شیر پڑھ کے سنا گیا. مطلب کیا ہوا اپنے مطلب اپنی غلطی تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے, سارا دوسرے پہ ڈال دیں. میں ٹھیک ہوں, زمانہ خراب ہے, میں ٹھیک ہوں. یہ فرق آیا نہیں ہے تو کمپنی بھی اپنی چیزوں کو دیکھتی ہے کہ یہ پرابلمس پہلے سے فرق آ رہی نہیں آ رہی, کیا پہلے کمپلینس کیا تھی اب کیا ہے. اچھا پتہ کیا بات ہوئی, جو چیز چل جاتی ہے اگلا بھی بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے, شروع جو چیز چلا رہی ہوتی ہے نا کہتے ساری یاری تو ہے ہی کمپنی. وہ میں کاجل صاحب آپ کو یاد ہے جو
हमने वो ब्लू मॉस्किटो साचे वाला आया था तो इन्होंने क्या कहा था वो जी ब्लू में निकाले फिर वो ब्लू में निकाल के पर्पल में निकाले पिंक में निकाले फिर कहा जी वो उसमें डबी में बोतल में निकाले जार में अच्छा इवेंचुअली तौर पे क्या हुआ वो चीज आगे देखेगी तो चीज नहीं सर ये आपकी चीज में मसला है एंड पे डील में मसला है ये सर ही नहीं करती वैसा नहीं मार्केट में डिमांड आती है ना मार्केट में साशा लेके जाएगा नहीं यार ये नहीं पिंक नहीं तो व्हाइट होना चाहिए येलो होना चाहिए नहीं इसमें नहीं मतलब ये कि अपने किरदार पे डाल के पड़ता एक बार सब कह रहे थे जमाना बड़ा खराब अच्छा ये तो शेर हो गया एक बार लामे इकबाल जो हमारे पाकिस्तान के बहुत मशहूर शायर इनको कहते मुफक्किर पाकिस्तान भी कहते मगर सर इधर में से पहले पांच लोगों में से कोई मुझे एक ऐसा शेर सुना दे जो कह सके यार ये जिंदगी में मुझे बेस्ट शेर है मुझे बहुत अच्छा लगा वो कोई मुझे सुनाना चाहे किसी को शेर ही शायर आती है तो शेर सुना है यार सर ये तो उजले पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे कितने बड़ा तजीब शख्स है उसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनको दुरूद सलाम ना भी दे तो ये तो हो गया उनके हाल से उजले पाक के हवाले से और कोई इसके अलावा बता नहीं चाहिए वैसे मैंने पहले पांच लोगों को यहाँ पर कहा था उन्होंने कहा कि यह ना झूठ के कैसी बात हालांकि मैंने मुश्किल सवाल किए थे आसान सवाल थे अच्छा है यार आपके साथ तो इधर से आ गया सर अजय भाई ने तदीक कर बुलंद इतना कि हम तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या ये तो मैंने स्कूल में सबने पढ़ के आए हैं कपड़े की पलटना से एक चीज क्या अब्दुल वाहिद क्या आप तहरीक करके अब्दुल वाहिद के साथ जो ड्रेसिंग है ना इज लुकिंग वेरी गुड माशाल्लाह पलटना झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का एक बहाना क्या बात क्या बात है शेर की क्या बात है पलटना झपटना झपट के पलटना अच्छा मैं आपको बताऊं मेरे एक सेशन हो रहा था जर्नलिस्ट के साथ वहाँ पे इस तरह के शेर पड़े हैं मैं बड़ा हैरान हो गया ये न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह वो बड़ा इस तरह के शेर में बड़ा एक रखते हैं शौक रखते हैं इसका मगर मुझे इस लाइन में ये हमारे साथ नाम से निकल गया अली शान अली शान के बारे में कुछ कहना नहीं रिपोर्ट के बारे में वैसे तो आपस की बात है पता क्या हुआ आज अली शान की रिपोर्ट आई नहीं तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर की स्टैंप लगी हुई आई कि ये इसकी अमाउंट है तो हमने सबसे पहले मदद किया हमने जो इसकी अमाउंट थी ना जो कि इसने टाइगर में बताई और जो अमाउंट इसने बुकिंग की अपनी एजेंसी को बताई हमने पहले वो कंपेयर की और फिर एक आधी सेल एग्जीक्यूशन अमाउंट फिर हमने वो भी देख ली फिर हमने जिस मैसेज ग्रुप में करके आप जो प्राइवेट ग्रुप बना उसमें करके डिलीट करके हमने कहा कि जो बाद में हेल्प किसी टाइम बताएंगे तो इसमें बुराई नहीं कर रहा मैं जरा बता रहा हूँ कि नज़र क्या रखते हैं तो सर अली भाई कुछ आप कोई शेयर ऐसा अर्ज करते कोई ऐसा जानदार शेर के हमारी महफिल में थोड़े से मुकाबले भी हो जाए शेर आते नहीं उठो मैं बताता हूं ठीक से बताएं आप चलो अच्छी बात है बैठी अगर मुश्किल है तो आप कहो सर इस लाइन में कोई शेर सुना सकता है इस लाइन में कोई है जो शेर जिसने पढ़ा हो स्कूल के अलावा ये ना ओलंपिक आती है दुआ बन के तुम्हारा मेरी कुछ रोज नहीं कोई और मुझे बता रहे चले अच्छा शफीक ए बारिश इतना ना बरस के मेरा महबूब आ ना सके आ जाए तो इतना बरस बुझा ना सके अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे वाह सर इधर से कोई और जी जी सुनो तरतीब दिया खुद को इस सरे नो जिंदगी में तेरा इनकार बहुत काम आया वाह अच्छा शेर आप लोगों ने ना ऊंची बोला है मेरा ना असल में मुझे तो टॉन्सिल की प्रॉब्लम है मैंने तो हर माइक का कहा था मगर आपसे उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने ना शेर ऊंचा बोलना है अच्छा ये 1 2 3 4 5 सर ये जो आपने टोपी बनी हुई है सर आप बताइए क्या डिजिटल आपने कहने किस वक्त में डाली है अरे मुझे मतलब ना बताइए है क्या ये बताना ये है क्या आपको पता है मेथड में फर्क क्या है एक ही फर्क है नहीं ना पता एक फर्क है बस और कुछ भी नहीं है कुछ कह रहे थे आप कुछ कह रहे थे
ये मेथड जो आप बात करने लगे थे ना, मैं इस पे कह रहा हूं कि मिस ना हो जाए ये पॉइंट, ये वाला जो है मेथड के इसके इन दोनों में फर्क क्या है? जी जी, क्या ये फर्क? ये नहीं, ये आपसे पूछना चाह रहा था कि बीच में ना रह जाए। हां नहीं, वो नहीं मैं पूछता, मैं तो कभी नहीं बोला वैल्यू है ना वैल्यू वाली बात। सर मैं तो वो नए पुराने जमाने के बारे में बता रहे थे, पुरानी चीजें थी और न्यू चीजें थी। मैं कह रहा सर नए और पुराने जमाने की चीजें थी उधर और न्यू। हां नो 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 नहीं, ट्रेडिशनल नहीं, यानी कि कोटी ये किसी को ये लाइन का मतलब पता क्या है? कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। अच्छा आपको मैं एक और तरीका कार से बताता हूँ, शायद आपके लिए आसान हो जाए। इनको उनको तो कंफ्यूजन हो गई थी मर्जी, इनको लगा था स्पीच करनी है। स्पीच होती है जिसको अकेला बंदा बोल रहा होता है और बाकी सुन रहे होते हैं, तो दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन होती है इंटरेक्शन के साथ। अखबार हमसे बात करता है, हम अखबार से बात करते हैं निकलते हैं। फिर अब आजकल क्या हो गया, किसी की कंप्लेन करनी हो और जनाब किसी ने फेसबुक को जाकर कंप्लेन कर देनी, उनके पेज पर कर देनी, तो उनको बना हुआ कस्टमर बड़ा अच्छा ग्रुप बना हुआ है। कुछ लोगों को पता है, सबको नहीं पता, बड़े ग्रुप्स को नहीं पता, लोग कंप्लेन करते हैं, लोग ईमेल कर देते हैं सर आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। डैट इज टू वे कम्युनिकेशन, कि ब्रांड भी बात करें कंपनी से, कंपनी भी बात करें ब्रांड से। तो एक ही फर्क है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वो अब टीवी है ना, टीवी इज अको हमने फाइनली डिसाइड किया कि बीच में है ना, डिजिटल है ना ट्रेडिशनल है। वो आपसे बोलता रहेगा, आप उसे नहीं बोल सकते। YouTube पे वीडियो है, आप कमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, रिप्लाई दे सकते हैं, टीवी पे नहीं कर सकते। अच्छा ये इमेज ना मुझे बड़ी याद है, वो ना दुबई में जाए ना, तो दुबई में वो दुबई मॉल आता है, वहाँ पे ना फाउंटेन शो होता है। वो फाउंटेन शो ना हर आधे घंटे बाद होता है, एक दफ़ा अरेबिक में होता है, एक दफ़ा इंग्लिश में होता है। वो जब शुरू होता है ना, तो हुआ ये कि पहले तो सबके लिए एक दफ़ा क्लैपिंग के लेट आए थे, आप सबके लेट आने का शुक्रिया। अच्छा वो ये है कि मैंने देखा था जब आती है ना, एकदम से 5 मिनट पहले रश आ जाता है, लोग सारे भाग जाते हैं फाउंटेन के पास, तो देख रहे हैं रश इतना कि बंदे पे बंदा, मगर बड़ी डिसेंट स्टाइल में ना, दुबई है ना, पाकिस्तान थोड़ी कि एक दूसरे को तोड़ के पार्किंग करना। तो मैंने क्या देखा कि कोई अपनी आंख से देख ही नहीं रहा, सब क्या कर रहे थे, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने देखा कोई अपनी आंख से एक सीन को रियल देखने का भी तो मजा आता है ना। एक अब आप मिसाल के तौर पर मेरी जितनी मर्जी तस्वीरें देख लें, आपने जो फिजिकली मेरी आने कहने भाई जो तो वो तस्वीरें थी और जो रील है उसका तो फर्क है, पर यही फर्क था कि लोगों ने क्या हो गया कि लोग चेंज हो गए, किस में चले गए, मोबाइल से रिकॉर्ड करने पर। यही फर्क है ट्रेडिशनल डिश में बात करने में। अच्छा जिन्होंने तार तो दी है, मैं जरा घूम भी सकता हूँ, जा भी सकता हूँ उधर। ये क्या आज कुछ 5 वर्ष में नहीं पढ़ सकता भाई के पीछे सर? नहीं मैं आपने नहीं पढ़ना, आप तो टाइप है टीवी एड्स, डिजिटल एड्स, दुकानदार, सेल्समैन, पोस्टर, लोकल एड्स। अगर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का तो पता ना आपको, पाकिस्तान की फौज है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, हमारे पास वो मिसाइल भी है, हमारे पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं, हमारे पास वो भी है GF-17 है, F-16 है, हमारे पास वेपनरी और मशीन है, राइफल है, मगर हमारा बम एक ही है, न्यूक्लियर बम एक ही है। कहते हैं कि ये जो है ना, जो गौरी शाहीन जो है, ये इनका कोई मैच नहीं है। अच्छा अगर हमने कंपनी वाइज, मैं ये पॉइंट अपने लर्निंग के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, जो सिखा नहीं रहा, मैं सीखना चाह रहा हूँ कि इसमें से किसी भी कंपनी के लिए न्यूक्लियर बम 5 में से क्या चीज होती है? सेल्समैन। और कोई? सेल्समैन। सेल्समैन, दुकानदार। दुकानदार। कितने लोग कहते प्रोसेस करके यार ये, या जो लोग टाइम पे नहीं आ सके तो उनके लिए हाथ धोना कितनी कष्ट की बात है जी। दुकानदार को ओके सर, आपकी प्रोडक्ट को अपनी दुकान पे डिस्प्ले करके कि हमारे पास क्या कुछ है, वही बता सकता है। हम तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो उसकी दुकान से 100 200 400 बंदों ने गुजरना है, उनकी आंख को हमारी प्रोडक्ट लगे, वही हमारा असली हक है। यानी कि दुकानदार एक बड़ा सर हमारी डिस्प्ले ही वो, बट उसपे डिस्प्ले करवाना भी तो मुश्किल है। दुकानदार कहता है मुझे सबसे आसान कर देते हैं, आसान कर देते हैं, आसान कर देते हैं। उसको माल किसने बेचा? एक मिनट, हम इसकी रैंकिंग बना लेते हैं। उसका उसमें मार्कर तो नहीं दिया, दिया अली साहब मार्कर है जी। दुकानदार को माल किसने दिया?
ठीक है जी। थर्ड पे हम रखते हैं टैंक, ठीक है जी। चौथे पे हम रखते हैं गन, इनको चलाएगा। अब रैंकिंग में बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेलमैन कितने कहते हैं बॉम्ब हमारे न्यूक्लियर बम का सेलमैन। आप लोग हो गए नंबर वन पे, कैसा खत्म हो गए? ये बात हम सब ने एग्री कर ली कि सेलमैन इस कंपनी के लिए बॉम्ब होते हैं, मेन पावर या मेन जान मार्केटिंग मार्केटिंग नॉट मैन्युफैक्चरिंग अदर शोभा जान मार्केटिंग बेचार भी होता है, पता नहीं कितनी शोभा जान तो आगे। सेकंड GF17 क्या है हमारा? दुकानदार दुकानदार ये हो गया दुकानदार, ठीक हो गया। सर टैंक हो गया क्या? प्रोडक्ट हो गई हमारी डिजिटल एड्स प्रोडक्ट्स जी क्या सर? दुकानदार तो आ गया, देखने आगे उसके बाद लोगों ने हाथ खड़े किए। अच्छा ये भी देखे ना तो उसके बावजूद लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। अब हमारे पास आ गया क्या? आ गया हमारे पास टीवी एड्स। अब इसके बाद बात हम करते हैं लोकल एड्स, टीवी एड्स लोकल एड्स। इसमें बताए लोकल एड पोस्टर वगैरह लगते हैं वो या टीवी एड? टीवी एड हो गया, टीवी एड, टीवी एड हमारा नंबर थर्ड इम्पोर्टेंट। इनके हमारा पोस्टर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? टीवी एड कराना। हम आगे उनके अंदर अच्छी टीवी एड हमारा हो गया नंबर वन पे। गन हमारी क्या है? गन के लिए हमारे पॉइंट कितने बचे? पोस्टर पोस्टर डिजिटल एड पोस्टर 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 कितने लोग कहते हैं पोस्टर? सही हो गया। अच्छा अब ये बात क्या हुई है लाखा साहब आप जो है कि इसमें डिजिटल एड कहीं है, ठीक है ना? अब इन्होंने आगे किसी मीटिंग में कहा ना कि डिजिटल एड करने को वो नहीं करेंगे क्योंकि रैंकिंग के साइड हो गया जी। सर वैसे तो ये सारे पॉइंट ही जरूरी है। इसमें एक मैं बात आपको बताता हूँ, मैं कोई बात है तो कहना चाहता हूँ कि वंस अ डिसीजन इज बीइंग टेकन ना आपको दोस्त में भी अपने साथी होना, आपको साथी ने मेजोरिटी में दिया ना। मिसाल के तौर पर ये एक सबसे बड़ी यूनिटी होती है कि मैं इस डिसीजन के हाथ में नहीं था, बच्चों के मेरे भाई ने दे दिए ना, अब मैं इसके पीछे जो मर्जी होता है ये डिसीजन के मेरे पीछे करें। एक अच्छा सेलमैन पता कौन होता है? जो किसी टीम होती है। अच्छा आप कैसे? अच्छा मैं आपको इसकी बात बताऊँ, आपको पता है कि आपको मुरादाबाद में एक हॉस्पिटल रन करता हूँ और मैं जाकर सर्जरी करता हूँ, अगर हम आपस में लड़ेंगे कैसे बात बनेगी? कितनी गलत बात है कि यार यहाँ पे एक बंदा एक बंदे के साथ में सुना जाता तो आप टीम वर्क यहाँ पे बात करते, इस टीम के साथ बात करते तो टीम ही नहीं है तो वो बंद वो लोग जो टाइम भी नहीं आए। अच्छा वैसे टाइम भी नहीं आने की वजह क्या हो सकती है? आर्मी को देखो सर आज बारिश ही नहीं होगी। अच्छा किसको फाइनल नहीं किया? किसको? ये अभी यहाँ पे बोल रहा अब वापस आते हैं हम आगे। ये प्रोडक्ट क्या है? क्वेरी अ प्रोडक्ट इज समथिंग दैट फुलफिल्स द नीड एंड डिजायर ऑफ द बायर। प्रोडक्ट क्या है? हेयर कलर है मिसाल के तौर पे। हेयर कलर को समझाएं मुझे इस लाइन में, मगर मुझे आपने नहीं समझाना, मुझे हमजा भाई समझाएंगे।
अफजल भाई के लिए क्या ट्रेन करे उनको पता ही नहीं कहाँ बैठे थे। मैंने एक दफा क्या बोला, एक दफा क्या बोला, आपने इसमें बदल काम किया कि आपको पता ही नहीं चला कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। सेम जी कलर मैंने कहा किस चीज के लिए है, मिसाल के तौर पे कलर हमारी प्रोडक्ट है। ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग थ्योरी का मतलब प्रोडक्ट वो होती है जो किसी की नीड्स और डिजायर को पूरा करती है। नीड्स मतलब डिमांड को पूरा करता है और किसी की ख्वाहिशात को पूरा करती है। अब मुझे समझाए कलर कैसे प्रोडक्ट है। ये इसकी जरूरत पूरा की, इसकी ख्वाहिश कैसे पूरी की, ख्वाहिश पूरी की जैसे उसको जवान बनाया ऐसे ही सही बात। इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करके जाएंगे, इसको भी हम आगे लिख देंगे, हमारे पास जगह कम रहेगी। ठीक है, यही दो चीजें हैं, पेपर्स हैं नीचे। अच्छा, मगर इस लाइन में कोई मुझे मिसाल के तौर पे आप मुझे बताएं, मिसाल के तौर पे अगर हम करते हैं फॉर मेन है, अच्छा आप लोग बताएंगे ना, तो कोई इसमें शर्माने वाली बात है वो नहीं, गलत बात को करनी नहीं, तो हम इस चीज को समझते हुए कोई आप बताए मिसाल के तौर पर प्रीमियम कलर है, प्रीमियम को भी छोड़े ये पानी है, ये पानी की बॉटल है, इसको मुझे बताइए प्रोडक्ट कैसे है। आप बता दें, मुश्किल है साधन से मदद लेने, नहीं नहीं आप ये इन दोनों इन तीनों से बता, आप बैठे सर उधर भी बैठे जी, कैसे है प्याज को खत्म करती है, किसको खत्म करती है, स्ट्रेस को खत्म करती है, स्ट्रेस को खत्म करती है, और नीड होगी डिजायर कैसे है, मगर इसको छोड़े ये है क्या नाम है, पर वो कोई आदमी नहीं बताता, आपसे किसी ऑर्डर को आपके साथ जो बंदा है ना सर, आप भी नहीं बताना, आप भी जो आपकी जगह की चूठी हो जाए यहाँ से कोई बताना चाहे के बारे में सर, ये है कि टैबलेट है जिसको खाने के बाद गले की खराश वगैरह थ्रोटिंग वगैरह जो होती है वो सही है। डिजायर कैसे होगी जी सर, डिजायर कैसे होगी, डिजायर ये है कि सर ये अच्छी है क्वालिटी में, आपके मुंह से एक अच्छी स्मेल आती है जी, फ्रेग्रेंस आती है, ठंडा के अंदर, ठंडा के अंदर मेंथोल। अच्छा कोई आप मुझे कोई इस लाइन को समझाने के लिए कह सकते हैं, तो हम आगे साइड में जाते हैं ये फॉलो सर, आपने किसी भी चीज को बेचना सेलमैन का काम होता है, प्रोडक्ट मेन चीज होती है, प्रोडक्ट चाहिए किसी भी चीज को, चाहे वो कलर है, चाहे वो पानी है, चाहे वो सूदी है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कुछ भी हो, आपको उसके बेनिफिट्स और फ्यूचर बताने हैं तो प्रोडक्ट बिकनी है। बिल्कुल ठीक हो गया, चल बैठे, वो तीन पॉइंट्स क्या हैं जो हम अभी लेके चल रहे हैं, जो हमने बाद में डिस्कस करेंगे, नजर आ रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, तीन प्रोडक्ट तीन पढ़े जा रहे हैं, डिजिटल ऐड है, आपने बोला 1 2 3 4 सर आपने बोला लगामी और अगर आप एक बस चलाते हैं, अगर आप एक बस चलाते हैं जो लाहौर में से 10 लोग पकड़ती है, फिर इस्लामाबाद जाती है, 5 निकल जाते हैं, 5 और आ जाते हैं, और वो कराची जाती है, बताए इस बस के ड्राइवर का नाम क्या, नहीं नहीं आप लोग जिसने हाथ खड़ा कर सर ये इनमें से बताना आप दो मिनट, आप तीनों में से बता, क्योंकि आप मेरे ये भी गेस्ट हैं, क्योंकि आपने टाइमिंग की अच्छी पाबंदी फॉलो की, बताऊँ नहीं 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 आपने इन तीनों में से बता दो, बता 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वो जमीन साहब है ना आपके साथ ड्राइवर का नाम क्या है, आप बताएं, सर मेरा ही नाम होगा सर अगर आप चलाते हैं, हाँ तो आपका ही नाम होगा ड्राइवर का, आपने बस चला दी, इसका मतलब क्या हुआ कि बस मैं चला रहा हूँ, बस मैं चला रहा हूँ, मेरा नाम है, मेरा नाम है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी बताने के लिए, मगर हमने देखा कि उन्होंने भी बताया कि ड्राइवर नाम है, समझने की बात है ड्राइवर
सर सुना भाई के साथ जो बंदे आपसे आगे दो बंदे आगे इसका मतलब क्या है ये बात आपने भूली नहीं है चौथा पॉइंट ये हमने यहाँ पे लिख ली है ये काम आएगा आप लोगों के बाद में बेचने के बारे में तो आप सारे अच्छे था फारूक भाई के अलावा और उमैर भाई नहीं उमैर भाई बता सकते बस बाद में पूछेंगे कोई मुझे बताना चाहिए सेलिंग स्किल्स में क्या अच्छी चीज़ होती है बेचने का अगर किसी ने अगर मिसाल के तौर पे अब मैं वो कल ने मुझे शिदाब भी पता ही कह रहे थे इनको ना वो लैपटॉप वाली मिसाल सुना वो आप लोगों ने सुनी ली है कौन सी वाली सर वो उसने फोन किया बिल्डिंग की नहीं बंदा उसने फोन किया उसको वो बंदे से कि भाई वो कहाँ पे उनका लैपटॉप है उसमें सौ तो सीधे सौ चीज़ें कहते सर लाख रुपया है लाख रुपये बोलते लाख रुपये दे लैपटॉप में ले तो उसने लैपटॉप भेज दिया मगर वो तो गुजार होगी मैंने शिदार भी करना कहते मैंने कहीं उन चीज़ें लेके बाहर मगर सेलिंग स्किल्स में जो बताएं कि कोई ऐसी बात बेचने की जो मैं आपसे सीख सकूँ अगर आप मुझे सिखाना चाहते तो क्या चीज़ सिखाएंगे प्रोडक्ट के बारे में बताओ प्लीज़ प्रोडक्ट के बारे में बताओ ये चीज़ और सर आपके साथ जो बताए क्लासेस में ये तो बात उन्होंने बता दी ना कॉपी पेस्ट क्या कर रहे हो बात मुझे कोई नई बात बताई यार आप लोग सेलमैन मैं आपके पास सीखने आई और आपसे मैं कह रहा हूँ मुझे बेचने का तरीका सिखाए और आप मुझे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट के बारे में बताओ जो कि दानिश भाई ने ऑलरेडी बता दी और आप तो खड़े भी नहीं हो रहे आप सेलमैन है ना एक सेलमैन तो लैपटॉप लेके भाग गए आपको मुझे सुना सिखा रहे कोई मुझे ऐसा पॉइंट सिखा दे बेचने का कि मैं कह सकूं कि सर क्या ही बात है मैं सीखना चाहता हूँ सर अब रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए अपना दुकानदारों से मार्केट में आप सुन ना से ना घबराए ना से ना घबराए जी सुना कस्टमर सेटिस्फेक्शन किसी को मुतमईन कर लेते हैं उसका फिर मैं नासिर साहब से कहूँ कि आप एक चीज इनको सिखाए जी फारूक भाई आप बताए सर जो मेन चीज होती है सेलिंग की जो दुकानदार को चीज बेचने वाले को सेलर्स बोलते हैं वहाँ से मैं अपना काम शुरू करूंगा हम सारे सेलिंग है मुझे तो आपसे तो आप भी मुझे नासिर भाई दस साल कितने साल हो गए मुझे डेढ़ साल हो गया नहीं टोटल आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस कितना मुझे है 25 24 25 साल 24 25 साल के एक्सपीरियंस तो अगर आपको एक पॉइंट सिखाना हो सब बच्चों को यहाँ पे तो वो क्या पॉइंट है क्योंकि मैंने आपसे कोई सवाल प्लान ही किया मगर अगर आपको सिखाना हो तो क्या पॉइंट है अच्छा सेल्समैन होना चाहिए अच्छे सेल्समैन के लिए क्या पॉइंट देंगे आप अच्छे सेल्समैन के लिए ये है कि उसका लिबास अच्छा होना चाहिए उसकी मार्केट में पीआर अच्छी होनी चाहिए उसकी लोगों के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए क्योंकि ना मार्केट में पीआर अच्छी होगी तो आप अच्छी सेलिंग कर सकते हैं मेन चीज सबसे अच्छी टॉकिंग आपकी टॉकिंग अच्छी होनी चाहिए अच्छा सेल्समैन वही है जो अपनी चीज को जो है ना वो फरोख्त कर सके मैं भी थोड़ी मिसाल बात करना चाहूंगा मैं ड्राइवर हूँ
मैं ड्राइवर हूँ, क्या मैं स्किल है मेरे पास? मैं ड्राइव कर रहा हूँ, नॉर्मली कोई भी चला देगा। अब ऐसा पॉइंट जहाँ पे मुझे अपने स्किल्स से सेफ्टी ला के एक पॉइंट पे पहुंचना है, वहां पे मेरे स्किल्स होंगे कि यार मेरी सेफ्टी कही है और आई गॉट माय पॉइंट आई वांट टू रीच। तो वहां पे आपकी स्किलिंग प्रोडक्ट, एक बंदे ने मुझे ना बोला, ठीक हो गया, बैक फुट पे है, मैंने देखा उसका पोजीशन, उसका मूड, उसकी चीजें कैसी हैं, तो मैंने उसके लिहाज से प्लान करके अपनी उस स्किल को, उस चीज को पकड़ के, उसको स्किल्स को करके उसको सेल करना है कि मैंने क्या 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 चीज मुझसे चाह रहा है, मैंने गलत चीज तो नहीं दिखा दी, इसका मूड तो नहीं था। हमारी ना हमारे वॉइस साहब कहते हैं कि सबसे मुश्किल चीज है पर्सनलाइजेशन भेजना, उसका नाम है कलर। और अल्लाह पाक का एहसान है कि मैं कल भी बताया अल्लाह पाक का आज करो, तो आप सबको भी क्या कहा यार हमारे कलर बिक रहा है, वी नीड टू रिलैक्स। बाकी चीजें भेजने क्या जरूरत है, मुश्किल चीज हमने भेजी है, हमने बाकी चीजें को हमने भेजने को सोचा ही कोई है कि बाकी चीजों में फोकस ही कोई ना करें। ये वैसे बात है शिक्षा पहले आपसे बाद में करेंगे। सर आप मुझे बता रहे थे ऐसी कोई चीज सीखने की बेचने की जो आपने तक देखा लोगों से आइडिया तो मिला होगा, कोई मुझे एक ऐसा सिखा दे आसान सा कोई भी चीज हो जिसे मैं कह सकूं कि सर क्या बात किया। दुकानदार को अपने प्रोडक्ट का आदि बनाना है, सही है, ये वो हमारे अलावा किसी दूसरी कंपनी पे हाथ नहीं रखे, बेस्ट है। और जो ये 10 कंपनियां छोड़ के हमें ही कॉल करे कि मुझे तुम्हारे साथ यूज करना है, ठीक है। आपको बैठे बैठे कितनी जबरदस्त बात की इन्होंने, दुकानदार को हम सारे टाइम समझते हैं कस्टमर को भी प्रोडक्ट आदि बना, उन्होंने कहा दुकानदार को भी प्रोडक्ट आदि बना, कितनी जबरदस्त बात है। और किसी ने कोई सवाल भी नहीं किया सर, 5 साल लग जाएंगे। ये कितनी अच्छा जो बात है कि हम अपना प्रोडक्ट किसको बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं दुकानदार को, मतलब दुकानदार को क्या कह रहे हैं बात सर, ये है ये लोग दुकानदार को बेनिफिट दोगे तो दुकानदार लेगा ना, एक और स्ट्रेटजी है भाई, कस्टमर डोंट वांट सेल्स पीपल, दे वांट प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। इस लाइन को जितना अच्छा दानिश भाई समझा सकते हैं, क्योंकि दानिश भाई से मैं भी पूछूंगा नहीं, हम पूछेंगे अब्दुल भाई के बाद, पहले हम अब्दुल भाई से पूछेंगे, फिर हम अब्दुल वाहिद भाई से पूछेंगे, फिर हम दानिश भाई से पूछेंगे। अब्दुल भाई आपके बाद 30 सेकंड में जल्दी से बता दें ये प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है। आपने पूछा डोंट सेल जस्ट इन्फॉर्म, कितनी ज्यादती वाली बात है, एक तो आप टाइम पे नहीं आए, आवाज अभी भी सही नहीं आ रही, अस्तगफुर्ला रब्बी वाकुर। अच्छा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट इसका मतलब क्या है, सबसे अच्छी प्रोडक्ट, आसान कर देते हैं, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट का एक स्पेशलिस्ट होता है, जैसे आंखों का एक डॉक्टर होता है, MBBS उसने भी किया, मतलब आंखों का डॉक्टर होता है, आई स्पेशलिस्ट, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट का मतलब। जी जी आप कुछ सर, प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज जिसके पास हो वो प्रोडक्ट सर। कोई और मजेदार लाइन मुझे कोई ऐसी लाइन बताइए। जी आप बता रहे थे अब्दुल भाई, मुझसे पहले सर जी प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट का मतलब ये है कि मेरे पास हेयर कलर है, फॉर्मेट एडजस्टमेंट, सही है, मुझे उसको खुद डेमो करो, सही है, उसके बाद जो उस पर स्पेसिफिकेशन कंपनी ने दी है अगर उसमें कोई फर्क है मेरे डेमो करने के बाद, सही है, तो मैं अपने सीनियर से आपसे एक सवाल पूछूं, हमारा कलर सिंथेटिक है या मेटालिक है। सिंथेटिक है। अच्छा बैठ जाए अब्दुल भाई पे। सर कस्टमर को जो है ना मुतमईन करना, कैसे करें, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है। प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट वो है जो अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में जानता हूँ, मिसाल के तौर पे मुझे कलर है, कलर आप बेचने जाएंगे कैसे बेचेंगे, मतलब ये कि अगर आप जो है कस्टमर को बता सकते हो कि हमारा कलर जो ये मेटालिक नहीं है, ये सिंथेटिक है, ये एलर्जी नहीं करती, सही है, इसके अलावा जो उनके फायदे सब वो सब कुछ आप, ठीक हो गया, ठीक है भाई आपसे मैंने और सवाल करने मालूम करूँगा मैं आप बैठे जी काफ़ी नहीं सर अपने जो ब्रांड है ना उससे मुतमिन होना चाहिए, सही है हर चीज़, क्योंकि आप हम किसी को मतलब नई शॉप है उसको कहते हैं जी हमारा रेगुलर करें इतने प्राइस है, कहते हमारे पास तो ये थोड़ा वाली बेस की सेल ज़्यादा रही, हमने उनको अपने हम मुतमिन होंगे उसको हम समझा सकेंगे, सही है हमारे ब्रांड में, सही है।
مثال کے طور پہ مریض جو لپ بام ہے اس کو تھوڑا سا مجھے سمجھائیں لپ بام کے بارے میں یہ اپنی چیا بٹر کے بارے میں سمجھا یہ مطلب دوسرا سے ایسی جل ہے ہماری جی جی جل جو ہے یہ دوسروں سے اچھی ہے پریم چیا بٹر کے بارے میں زبردست بات کی ہے بہت زبردست بات کی ہماری دوسروں سے اچھی ہے جی سو شیا بٹر کے بارے میں تو میں بچان صاحب بات کرنے کے لیے ون آف دا فائنسٹ پھر میں شیا بٹر کی بات کروں آپ ملے باب کی بتائیں لپ بام جتنے بھی چیپسٹک جو ریگولر مارکیٹ پہ ہمارا لپ ریپیئرنگ فارمولیشنز کے ساتھ ہے آپ بچوں کو بھی بڑے اچھا مجھے اس کے بارے میں بتائیں پریمیم جیلی ڈور شیا بٹر صحیح ہے سر میں نے بہت یوز کی ہیں پرسنلی بات کر رہا ہوں جتنی ریپیئرنگ ریکوری اور ریزلٹ یہ نہیں کہ پانچ دنوں بعد دس دنوں بعد ون آف دا فائنسٹ اور جب میں کسی سے بات کرتا ہوں نا یہ فاروق صاحب نے بھی نوٹ کیا اس کے اوپر مجھے کسٹمر پہ دکاندار چھیڑ دے کے نہیں انجنی مجھے لڑنا پڑتا ہے مگر نہ لے لیکن تو اس کو برا نہ کرے کیونکہ یہ نہیں سوچو کہ میرا یوز ہے میرا اس پہ سیٹسفائی میں مطمئن میں اس کے بارے میں تو نہیں لینا نہ لے لیکن یہ نہ کہ یا تو گفٹ رکھ لے پھر مجھ سے بات کرے تھینک یو سر آپ کہتے ہیں ملی پروڈکٹ ہم سے بہتر ہماری تھوڑی بہتر ہے یہ لائن میں تو میرے بڑی طرف مزدار لائن بنائے اصل میں جب سردی شروع ہوتی ہے نا جی جی کمپٹیشن ہو جاتا ہے مطلب ہر قسم کی جل آتی ہے ایک جیسے اولینا کی جل ہے 33 روپے کی دیں گے اور ہماری جو ہے مطلب سب سے جو 65 روپے ہے مطلب 10 وغیرہ تو ان کو جو کسٹمر استعمال کرتے ہیں امید نہیں کہ وہ دوبارہ لیتے ہیں ہماری جو جال ہے اس کے فیڈ آتی ہے ہم بات کر رہے ہیں اسپیشلسٹ کی پروڈکٹ اسپیشلسٹ کی آپ نے بات کی شیا بٹر کی اب ہم شیا بٹر کو کیسے بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں مجھے جب تک اپنے پروڈکٹ کا نالج نہیں ہوگا میں پروڈکٹ بیچ نہیں سکتا شیا بٹر کیا ہے شیا بٹر ایک ساؤتھ افریقہ میں پودا ہے جو آپ کی جو ڈیمیج بریک جو جسم ہوتا ہے اس کو اسکن کو ریپیئر کرتا ہے یہ فارمولیشن ہے اور یہ بالکل حقیقت ہے لائک دین اسکن وائٹ کا لوشن ہے یہ شیا بٹر کے نام سے ہماری ویزلین ہے اور آپ نے اولینا کی بات کی ہے I'm sorry to say اولینا کا ہمارا تو مقابلہ ہی نہیں ہے وہ 35 روپے کی آپ نے بات کی ہے پھر سن لیجیے وہ کمپٹیٹر بات کر رہے ہیں کمپٹیٹر آپ بات کرتے ہیں اسٹیل مین کی کمپٹیٹر بات کرتے ہیں آپ اسٹیل مین کی آپ ویزلین کی بات آپ سر یہ بات کرتے ہیں اسٹیل مین میرا کمپٹیٹر اسٹیل مین مجھ سے 25 روپے پر پیس زیادہ ہے میرا کمپٹیٹر ویزلین کو میں کمپٹیٹر سمجھتا ہوں جو 200 روپے پیس زیادہ ہے مجھ سے پروڈکٹ کا نالج جب تک نہیں آئے گا جب پروڈکٹ کا نالج آئے گا تب میں بیچوں گا تب پروڈکٹ اسپیشلسٹ بنتا ہے پروڈکٹ اسپیشلسٹ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کلر ہی بیچ رہا ہے آپ دنیا کی کوئی بھی چیز دیں وہ بیچ کے آئے گا اس اب جیسے یہ لائنیں کہہ رہے ہیں میٹ مور پیپل اس کا مطلب وہ جو پہلے بھی سمجھا گئے کہ نیٹ ورکنگ کے لوگوں سے تو آپ نے بنائی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے بات کہ وہ بڑی بات نہیں مگر اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ مجھے ناصر صاحب کی آپ ناصر صاحب کے ساتھ رہے ہیں اسٹور میں رہے ہیں ناصر صاحب کے ساتھ آپ بس میں بھی آئے ہیں تو آپ لوگوں کو مجھے تین خوبیاں بتانا چاہیں ناصر صاحب کی تو ایک ایک کر کے کیا بتائیں نہیں آپ سے نہیں ناصر صاحب کا اخلاق بڑا اچھا ہے کوئی اور بتائے اس کے علاوہ آپ بھی بیٹھ گئے جی ڈیسیجن میں کریں جی ڈیسیجن میں کریں کوئی اور بتائیں فرینڈلی سر گڈ ورکر ہیں مارکیٹ میں بہت اچھی پی آر ہے ان کی اور جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں ان کے ڈیسیجن اچھے ہوتے ہیں جو بھی ڈسٹریبیوٹر بنائے ہیں انہوں نے اچھے بنائے ہیں خوبصورت بات آپ کی بات سن کے آپ کے اور اگلے کے معاملات کا سینٹر برج بناتے ہیں کہ وہ سے ڈیسیجن بہت اچھا رہتا ہے مارکیٹ میں تو کیا ماشاء اللہ کام ہو تو ہے لیکن مجھے بھی کوئی پرابلم آئی سر ایسے کرنے وہ میری ان سے فرسٹ ملاقات نہیں لٹکاتنا نہیں ہے یعنی کہ حل کرتے ہیں کہ مجھے بھی بہت نہ لگے میرے مجھے زبردستی کیا کہ جی گڈ ہینڈل گڈ ہینڈل حسن بھائی آپ کا اسٹاف کون ہے بیٹھا آپ یہ کچھ بتانا چاہیے حسن حسن بھائی کے بارے میں ٹھیک ہے تو مجھے آگے بولے آپ حسن بھائی کے بارے میں کچھ بتانا چاہیے تین ان کی خامیاں بتا دیتے آپ تو سر خود ہی سوچ رہے تھے آپ نے میرے بارے میں پوزیٹو پوچھا نیگیٹو پوچھا شہزاد صاحب تو بیٹھے نہیں ہیں نا بیٹھے نہیں ہیں جی بتائیں حسن صاحب کے بارے میں ایک نیگیٹو بتا دیتا
पॉजिटिव भी नहीं बता रहे, नेगेटिव भी नहीं बता रहे, तभी ये खड़े हो रहे थे, इसको बता दें ठीक है, जब नेगेटिव का खड़े हो रहे सोचे में बात लग गया, नेगेटिव तो नहीं पॉजिटिव है, ये नहीं किया, अल्लाह का तोहफा आपके पास है, निकाल दे बढ़ा सी यार, आप कुछ आप खड़े होकर ना सर, आप सर जी जी वैसे आप इसकी बात तो कराची वालों से कहते हैं बातों में कोई नहीं जी सकता, बातों से कोई नहीं जी सकती कराची, इसलिए कहते हैं रिपोर्टर से जीतना पड़ गया सर, एक होती बहस बनाए वैसे ही होती बहस बनाए सलाह, बहुत अच्छा, हालांकि आपसे देखिए मैंने पूछा क्या है और आप मुझे बता गए, आपने इनकी नेगेटिव ये बात बताई कि बहुत अच्छे इंसान है, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं थोड़ी एक और बात कर जी जी, जब लाहौर से आ रहे थे ना सर जी जी, तो नासिर साहब फ्रंट सीट पे बैठे थे कोच के टेबल पे जी जी, तो इनके मतलब माइंड देखें कि सब टीम का हमने ख्याल रखा सही ठीक है, तो जब बस पे रुके हम तो इन्होंने कहा कि मैं ड्राइवर के साथ बैठा था कि उसको मतलब खुदा ना खास फोन ना आ जाए सही, उसको मतलब बिल्कुल पूरी टीम का ख्याल करें, पूरी टीम का आपने अभी कितना ध्यान किया और मैसेज साहब ने आपको मीटिंग वाले को क्या टाइम दिया और आपने उनको कितना ध्यान दिया था, नासिर साहब ने टाइम नासिर साहब ने कितना दिया था, उससे थोड़ी मिस कनेक्शन होती है, कॉल है हजरत अली का किसी का जफ आजमाना हो तो उसको इज्जत दो, अगर वो आला जफ का होगा आपको आपको और इज्जत मिलेगी और कम जफ का होगा तो खुद को तुम से अच्छा समझेगा, नासिर साहब ने आपको इतनी इज्जत दी रिगार्ड में जिम्मेदारी के साथ बड़े बन के एक करके सबको साथ लेके चले ऐसे ही सही है, और हमने नासिर साहब की बात की कितनी कदर की के हिसाब लगाए कि मैं नासिर साहब को फोन करके बैठे हो गए आपके बने ही कटे हो, नासिर साहब को कितनी शर्म आई, बार बार शर्म आ रही है आप बार बार कहते हैं ना ये लेट आ रही है, अब आप ये देखिए इसके बंदे का नेचर तो बड़ा गलत है कि बंदा ना मेरी तरह बिल्कुल टाइम, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि सबसे आप तो थे पौने तीन बजे कि सबसे नैला निकट्ठा निकम्मा आलकस बंदा कब्री का कौन है, बात खत्म हो मैं मगर मुझे दूसरा नहीं चाहिए मैं काफी हूँ, अब मेरे क्यों साथी बन रहे आप इस चीज में, अच्छा क्या इंप्रेशन रहेगा मेरा आपके बारे में यार, ये तो बुद्धा ही टाइप का है, यानी कि आपकी बात ही शुरू होगी नेगेटिव से, ऐसे ही कितनी गलत चीज है ये आप इंसान की जाति के लिए, कि आप जैसे कितने लोग हैं जो टाइम पे नहीं आए उसके बताने का सामना लगता है क्या, कितने लोग टाइम पे आए हम भी आए आपका टाइम शुरू हुआ है आपका टाइम अब शुरू होता है, अच्छा मुझे मुझे हसन साहब के बारे में ना एक तारीफ और आप अभी करा दीजिए आप बताए हसन साहब एक तारीफ आप कर सकते छोड़ यार बुराई करते हैं ये आपने भी बात करके छोड़ दी ना बात करके आपने भी बात करके छोड़ दी ये क्या बात है यार छोड़ो यार ये करनी देखो कुछ चीजें जो है ना बताने चाहिए नेगेटिव भी ताकि बंदे को पता हो सफर किया मगर एक वैसे मैंने पूछना चाहिए था क्योंकि सीनियर है मगर एक तमीज के दायरे में रहते हैं, अगर आप किसी को नर्स साहब की बुराई भी करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं सर जी गालियाँ बोलते बेटे दुआएं तुम्हारी गालियाँ नहीं है सर खोती का बच्चा जब मैं आपको ऐसे बताऊं कि हजरत अली का कॉल है कि गाली देने से कब्र में बिच्छू बन जाए हाँ जी चांदी जी का नपाक करते हैं जबान हम यहाँ का भी रखेंगे कि हमें वो प्रोनाउंस ना करें कि मेरी गाली सर गाली है प्यार वाली गाली ये तो मोहब्बत की है चाहत नहीं वो गाली मेरी है खोती का वो प्यार से मैंने बता दिए चलिए ठीक हो गया चलो आगे चलते हैं सिद्धार्थ साहब भी छोड़े अच्छा भी छोड़े एक आपके साथ गेम खेलूं जी सर बड़ी मजेदार गेम आप लोग अपने पेन निकाल लें हाथों में ठीक हो जी लिखना है आप जी सर पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है 22 करोड़ कितने लोग कहते हैं 22 करोड़24 करोड़ सर 24
24 करोड़ 25 करोड़ कहते ना बयान 25 करोड़ की आबादी होगी, मिसाइल पड़ गई। हम 22 लिखे 24 लिखे, एक फिगर लिखते हैं 22 लिख लें, 22 करोड़ लिखते हैं, 22 करोड़ लिख लेते हैं, ठीक हो जाए। आसान गेम करते, मुश्किल करते नहीं, तो आप लोगों को तो वापस ही वापस लड़ते हैं, लेकिन मौका यही लड़ने का जबरदस्त गेम। अच्छा, कितने लोग इसमें से जेंट्स होंगे, कितने लोग फीमेल होंगे? 11 करोड़ लेडीज है। हमारी कितनी आबादी है जो 30 से नीचे होगी? सारी नीचे है सर जी। कितनी? 65% कितने लोग और कहते हैं इस बात से? 45% और 50% आसान करते हैं इनको सर जी। अब तो 50 वालों से पूछो, वो भी कहते हैं 30% करते हैं। 5 करोड़ किसी ने मेहनत भी नहीं की कैलकुलेशन में, 6 करोड़ भी गलत आपने कहा सर जी, जान लो किसी को कहते हैं आलकस।5 करोड़ तो सब कह रहे थे कि शिदाद भी है, तो वाला पॉइंट है तो आपके बारे में ना तीन खूबियां बतानी शिदाद साहब के साथ। आप सब लोग जानते नहीं जानते शिदाद साहब को जी, तो शुरू करते हैं यहाँ से। सर आप क्या लाइन आपने बता दी? जो लाइन है बोली नहीं, वो रिपीट नहीं करेंगे, ये रूल है। बैठ जाए सर जी। नहीं नहीं, आप सर जब बेटा कह के आपकी बात सुनते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, आपको बहुत ज्यादा सर बार बार कहते ना माल भेजे, भेज रहा हूँ यार, भेज रहा हूँ, क्या हुआ है? तुमने पैसे नहीं भेजे ना? एक बार बता, कोई और बता दो। ये तो मिलने का शिकवा है ना, ये नेगेटिव तो नहीं है? और कोई मुझे सर आप बता देते हैं कोई नेगेटिव? ये जनरल पॉजिटिव रह के हम किसी की ये भी कर, किसी को अगले को बुरा भी ना लगे, और हम कोई बात भी कहें, अगर कहना चाहे कोई बात तो अभी मौका है, नहीं तो मांगे जाए सर। 5,50,000
5 करोड़ 50 लाख जब 5 करोड़ को फिक्स कर लिया, ये निकाल दिया मैंने, चलिए जी 5 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख फिक्स कर दिया अभी सर, 5 करोड़ 50 लाख लोग जो कलर लगाते हैं, ठीक हो जी, इसमें से कितने लोग लोकल और कितने लोग इंटरनेशनल ब्रांड लगाते हैं? इसमें से 60% सर लोकल ब्रांड लगाते हैं और 25 से 30% इम्पोर्टेड लगाते हैं, और बाकी 60% आपने कहा ना लगाते लोकल, 30% लगाते आप 70 कर रहे हैं और 30% आप 70-30 जी आप बताइए, और इसके अलावा भी 70-30 और कोई इसके अलावा आपको पता मुनाफा गेम का दर्जा है सबसे निचला वाला दर्जा सबसे निचला वाला दर्जा है, तो सर एक एक फिगर आ जाए, आपको फिगर देते कोई आप लोग बताए कितने लोग लोकल ब्रांड यूज करते हैं, कितने इंटरनेशनल ब्रांड यूज करते होंगे? आप कुछ वहां से कुछ करना चाहें, आप लोगों से कोई 70% 3 करोड़ 85 लाख सर 3 करोड़ 85 लाख 3 करोड़ 85 लाख निकाल आप लोग बताते हैं, चलिए मिसाल के तौर पर हसन साहब है वो पूरे कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है आसिफ भाई आप बताएं कि इसमें से कितने लोग लगाते होंगे ओलिविया, कितने लोग सेंसर, कितने लोग अडोरी, थोड़ा सा मुझे बताइए क्या मिसाल के तौर पर हम इसमें आगे चले जाते हैं, इसमें आ जाते हैं क्योंकि हमें हम मैं भाई ने बताया कि ऑपरेटिव लगाएगा सैमसंग ओलिविया कितने लोग लगाते होंगे 25 लाख इसी तरह आप भी जगह दे और दूसरे 30 लाख बाकी कहाँ गए 85 लाख में से
1 करोड़ बता रहे ना, ये तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख बनते तमाम, इसको बढ़ा दे, बोली लग रही है भाई, ये लोन का फिगर होगा लोगों के, बैठे आप बैठे, दानिश भी आप सर 1.5 करोड़ लिविया है, अच्छा जी 1.5 करोड़ लिविया होगा, और सैमसंग जो है वो 40 लाख, 40 लाख, और ब्लैक रोज जो है वो 30, और अदर में है बाकी सारे मिला के, चलो डोर का बता दे, 40 थी सर, डोर सर 30 to 35 लाख, 35 लाख, और बाकी इधर किसमें डाल देते हैं, किसमें डाल अदर में जो बचा है उसमें डाल, ऐसा हो अच्छा बैठे प्लीज बैठे, और कोई नहीं बोलता सर, ओलिविया 1 करोड़ 50 लाख, 1.5, सैमसंग 75 लाख, 75, ब्लैक रोज 25 लाख, 25, और अदर आप लगा लें कोई 15 लाख, सही है, और 1 करोड़ 20 लाख अडोर, 1 करोड़ 20 लाख अडोर,1.35 करोड़ 35 लाख ओलिविया, 75 लाख तकरीबन 60 लाख ब्लैक रोज, सही है, बाकी अदर 20 लाख 25 लाख 25 लाख रिमेनिंग अमाउंट नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे फिगर बताए दानिश भाई की, हमने बात सुनी बाकी की वैसे सुनते हैं, दानिश भाई ने आपको नाश्ता कराया, आप लोग भूल गए, मिनी में नाश्ता कराया, उनकी वजह से बात हुई ऐसे जी शादी की, बाकी का अंतर ऐसे गिरे 275 295 आपने कर लिया, 3 करोड़ 85, 1 करोड़ हो गया अडोर भाई, 1 करोड़ की सेल है, अडोर हो गया 1 करोड़, ठीक हो गया सर, 275 आ गए ना, 3 करोड़ नहीं था क्या, 3 करोड़ 85 लाख, 3 करोड़ 85 लाख टोटल, 3 करोड़ 85, 1 करोड़ की सेल का मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पर करते हैं तो 200 करोड़ की महीने की सेल है हमारी, 2500 करोड़ की सलाना, बहुत अच्छे से आप लोग, अच्छा और कोई इसके अलावा मुझे बता दें, मैं सना ये मैंने से भी हम कर लेते हैं, ये भी हमारे बाद में करना होगा, कोई इसमें और हिस्सा डालना चाहे कोई और इसको कुछ कहना चाहे, गाना रशीद में आप कुछ राना साहब आप कुछ करना चाहे, आप भी सीनियर बंदे हैं इसके, आपके पास भी डाटा होगा जी सर, ओलिवे सर 170 सर 1.70 हाँ जी, 40 है सर सैमसंग, 40 सैमसंग हाँ जी, और ब्लैक रोज सर 30 एडोर सर 60 हाँ जी, बाकी अदर सर कितने मतलब कितने अदर हैं, ये आपने जान ये आपको पता ही फेवर में सिर्फ दानिश में जो दी थी, अच्छा क्योंकि कोई उन्हें नाश्ते का अरेंजमेंट के लिए ठीक है, पिंडी में आप लोगों को नाश्ता कराया सबको नहीं जो जो आ सके थे, तो इस वजह से हमने कहा, बाकी आपको तो बताने पड़ेगी कितने क्या आपने कितने आपने बताएंगे कोई अंदाजा दे सर, अदर्स बताए ना टोटल 1.7 हो गया ओलिविया जी, 40 लाख हो गया हमारा सैमसंग जी, 30 लाख हो गया ब्लैक रोज, 60 लाख हो गया गोल्ड का, और अदर 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ अभी बचा है, 170 है अच्छा आपसे अगला सवाल करूँ मैं,
कितने लोग ये हम महीने में कलर कितने दफा लगाते हैं? एक दफा लगा लिया एहसान करते हैं एवरेज महीने में एक दफा सब की सब ने ये चीज तो तय कर दी है कि ओलंपिया एक वर्ल्ड क्लास है, किसी ने इस विषय पर एग्री नहीं किया, सबकी रिवर में वन क्लास है जी। ये जरूर है कि यार ये मिसाल के तौर पे ओलंपिया का अच्छा ओलंपिया का क्या है टीपी क्या बना 30 डेज अभी का है तो हमने एग्री कर दिया कि 30 डेज है। चले आपको यहाँ फिगर बताए 30 डेज महीने में एवरेज ले लो एक दफा यूज करते कलर कोई दो दफा भेज तो सही है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितने लोग कलर लगाते हैं? मैंने आप लोगों से लिस्ट में करवाई, आप लोगों ने बताया 3,85,00,000 लोग कलर लगाते हैं। फिर मैंने पूछा महीने में एक दफा दो दफा तीन दफा, हमने एवरेज कर लिया महीने में एक दफा। यह भी मैंने जब पूछा था तब बोला कोई तब बोल रहे थे तब हम लिख लेना, अब तो हमने लॉक कर दिया, क्या फायदा? अब तो आपको टीम का साथ देना था, अभी तो थोड़ी देर पहले हमने क्या सिखाया कि एक बार जो डिसीजन हो जाए तो उसमें सबका साथ देना चाहे आप डिसएग्री करें। अच्छा अब एक करोड़ को 100 से डिवाइड करके मैं एक को नहीं करता, तो एक करोड़ को जब 100 से करता हूँ 100 करोड़ में से तो 100 करोड़ की इनकी मंथली वॉल्यूम है और इंडिया का है नहीं सर 100 करोड़ का वॉल्यूम। गलत रिपोर्ट बनाई, सारी रिपोर्ट आप लोगों ने मुझे गलत करा दी, इसको मैं बाद में वापस आता हूँ। इसको भी छोड़िए, तुम्हारा हो गया। कोई मुझे इससे पहले का है कोई मुझे गाना सुना सकता है? तब तक मैं ये खा लूँ मजन जिस खा लूँ, माहौल बड़ा सीरियस हो गया बहुत इस मौसम मोड में ना, गाना भी कुछ रोमांटिक लग रहा है। आप अपने बाद में अपने ख्याल आपको कंट्रोल रख सकते हो तो वैर सुनाएगा कोई शेर सुना दे दोबारा जिसके जेब में पहले था नहीं है, कोई शेर सुना दे, कोई नाच सुना दे, कौमी तरह बड़े सुना दे। हमने उनकी याद में रो रो के आंसू बहा दिए, उनकी याद में और कोई इसके अलावा वैसे बने तो आप ऐसे तो नहीं आप लोगों की कोई और शेयर इसके अलावा मोहम्मद से वफा तुम देखो हो गया ये कोई और तो ना कोई और माशाल्लाह इनके लिए भरपूर तालियां। ये हमारे टाइम से लेकर आए और वीआईपी गेस्ट में ये नहीं है, वीआईपी गेस्ट में ये तीनों का नाम वीआईपी में डाला है। और अब आप देख रहे हैं कि वक्त के साथ चरम कहते हुए जाते हैं। ठीक है शाहीन परिंदे का नाम है समझ ले सेलमैन तुम बात कर रहे हो ठीक हो गए सारे परिंदे सेलमैन अच्छा जी बता रहे थे आप समझा रहे हैं। तो शाहीन है परवाज़ है तेरे सामने आसमान और भी सही है। शाहीन परिंदे का नाम है जो आप जो कि सहमे हैं ना वो अगली जमाने समझाएंगे।
आप सेल में रहे, इस तरीके का समझाए इस शेयर को। दानिश भाई आप सुना सुनाऊं फिर? नहीं नहीं, आप बात सुना सकते, आप चाहे तो दानिश भाई की बलि ले सकते। जब तू नहीं तो ईद भी कैसे मनाए हम, जब तू नहीं तो ईद भी कैसे मनाए हम, एक बार आके गले से लगाए हम, एक बार आके गले से लगाए हम, सुनते हैं कि जिंदगी का कोई नहीं एतबार, फिर इसके बाद ईद तलक मर ना जाए हम। पक्के आशिक हो गए मासी फली बात के पास गए। आप दोनों तीनों में से कोई ये पढ़ के सुना सके मेरे लिए। वासिफ अली वासिफ साहब के पास इनका एक दोस्त आया तो इन्होंने इसके लिए चाय मंगा दी। इनका दोस्त चाय पीने के बजाय मुल्क के हालात की खराबी करवाना शुरू हो गया, तो वासिफ साहब ने इसे पूछा कि ये क्या हालात तुमने ख़राब किए हैं। इसने नफ़ी में जवाब दिया। फिर वासिफ साहब ने पूछा कि क्या तुम ये हालात ठीक कर सकते हो, तो दोस्त ने कहा कि नहीं। इस पर वासिफ अली वासिफ साहब ने फरमाया हफ्ते फिर चाय इसको हम कुछ कर सकते नहीं, मतलब ये जो आगे आपने बोलो करने के यार हमारे मुल्क के हालात नहीं है तो इसमें आप कुछ काट तो सकते नहीं, तो फिर इसकी टेंशन नहीं लेनी आप। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। कोई मेरे लिए पढ़ के सुना सर, राइट ऑफ सक्सेस, फ्रॉम द राइट ऑफ सक्सेस इज फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर, मतलब राइज बढ़ती है फेलियर। देखो मतलब मैं आप भी आपके साथ ही हूं, आपके इधर मेरे साथ भी आपके साथ छोड़ के साथ ये भी आप या आप पहले दिन में से कुछ कर जाएंगे। कामयाबी कीमत लगाओ, बड़े नाकाम होते रहो नाकाम होते रहो नाकाम, लेकिन एक वक्त तक आप कामयाबी होते रहो। कामयाबी कीमत लगाओ, वेट करो, हर कामयाबी आपको नाकामी के बाद मिलती है। कामयाबी को नाकामी है कीमत, वापस आ गए नाकामी ये थीम है इस चैप्टर में, वापस आ गए। चलो मैं आगे आएंगे भी मैं बहुत आगे भी नहीं साइड। इसका पता है आपको थॉमस एडिसन बल्ब, थॉमस एडिसन का पता है आपको? ये आपको पता है इसने क्या किया था? बल्ब बनाया था, ये वाला बल्ब बनाया था। और यार आपको पता है कितनी दफा फेल हुआ? बेतहाशा दफा 10,000 टाइम्स, 10,000 बेतहाशा दफा। तो उसे जब पूछा गया कि भाई आपसे जब बल्ब नहीं बन रहा तो आप छोड़ क्यों नहीं देते, आपसे जब बल्ब नहीं बन रहा तो आप छोड़ क्यों नहीं देते, तो उसने पता क्या बोला कि सर मैं छोड़ूं कैसे, मैंने 10,000 ऐसे तरीके सीखे हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता, मैंने 10,000 ऐसे तरीके सीखे हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। छोटी छोटी चीजें भी तो बड़े बड़े आप एक मजदार चीज हो रहे हैं। सेल्समैन आपको पता, मैं 2 महीने से सेल्समैन को अपने बल्ब का अवार्ड नहीं दिया, तो मैं सोचा था यहाँ पे आके दे रहा देना हो तो क्या रिकमेंड करते हैं आप, किसको रिकमेंड, क्योंकि आप सारे तो इक्वली कंपेटिटिव सेल्स के स्टाफ है, तो आप किसे समझते हैं कि ये बंदा जो डिजर्व करते हैं? पहले शुरू करते हैं अक्टूबर का, कौन हो सकता है? फारूक अहमद जी 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 सुना कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्यों क्या मार्का मारा? इस वजह से आप हो बड़े मजदार, आपको जान में जान वाली बात बताई कि उन्होंने जगह भी नहीं दी घूमने फिरने के लिए। दूसरा आपकी बात, या टेबल को थोड़ा टेबल पीछे कर दो। आप बताइए आप कुछ कर रहे थे? नहीं मैं नहीं कुछ। कौन फरूख भाई? आपने कहा था कि फरूख को क्यों होना चाहिए सर? बेस्ट सेल की है, बेस्ट रिकवरी की है, और बेस्ट सेल की है, बेस्ट रिकवरी की है, कोई और बात बताए नहीं, अच्छा माल बेचा है, कोई और बताए? पूरी टीम के अंदर आपने सोच कर पूरी टीम का, ये नहीं है सब ने अपने सोचा, अब हमने ये कर दिया इसके बाद से कि अपना नहीं बताना किसी और का रिकमेंड कर, क्योंकि सारे मैंने देखा कि आपको कह रहे थे यार मेरे से बेहतर तो ये जगह पे बैठा ही कोई नहीं, ठीक हो गया, हालांकि अपने मेरे पास थी टीम की, ठीक हो गया, और आप लोगों के बेहतर नाकामी टीम है, बैठे बैठे बैठ के सोचिए आप बता रहे हैं।
सर मैं हो सकता हूँ, मैंने सर प्रोडक्ट की रेंज वाइज सेल्स की। सही है, चलिए अब दिन थोड़ा सा बड़ा करें। और हम कहते हैं कि आप कहते हैं कि जब किसी दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं ना तो अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हम किसी दूसरे को अपनी जगह कामयाब होते देखें तो उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढें। हम वो बंदा रिकमेंड करें जो हम नहीं, कोई ऐसा बंदा रिकमेंड जो आप जी। और क्यों नासिर साहब, क्यों आज हम सब जिस जगह पे बैठे हैं, जिस उसमें हैं, नासिर साहब के आप इसमें करें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक हो गया। नासिर साहब की वजह से आप भैया कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे आप सर, मैं लेकिन मैं अपनी टीम के हवाले से अगर आप बोलेंगे तो उसमें से बताइए, आप किसी को बता दें सर टेजर क्यों फिर मैंने जाना है ये आपका आगे भी इवेंट डिस्टर्ब होने हैं जी। बारे में सब टेंट नहीं किसी ये नहीं देखें, किसी को रिकमेंड कर दें ग्रुप में जो आप मैसेज देखते हैं आपको पता ही है, आप उसको देखते हैं जो बेहतर समझते हैं। अरे भाई आप फ्रूक सर क्यों गुजरा वाला में जब भी इनका विजिट हुआ है, इन्होंने बुकिंग हुई है अच्छी अच्छी एक सेल। मुझे डैडी पता नहीं कहते हैं, डैडी कहते हैं कि सिर्फ तभी सेल भी अच्छी होती है, आमदन में भी सेल अच्छी होती है। चेयरमैन को चाहिए कि आमदन में भी अपनी बेहतर करे ताकि वो बता सके कि उनके हर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी कुछ हूँ। पहले होलसेल की बुकिंग डलती नहीं है ना उसको। सही है, होलसेल की बुकिंग नहीं डलती है और इनके आने के बाद डलती है, वो फिर इनके साथ भेजनी होती है ना कंपनी। ठीक हो गया, कोई मजेदार बात बताए ना भाई, आप लोगों में से कोई किसी को रिकमेंड करना चाहें। फारूक साहब के साथ यानी कि जब आते हैं कुछ ऑफर लेके आते हैं, ऑफर लेके आते हैं, उस ऑफर को स्टेबल रख के जितनी ड्यूरेशन दी जाती है वो मैं अकेला ही करता हूँ। उस मार्केट में अगर वो उस ऑफर को अगर मुझे अकेले दे दिया जाए क्यों मैं आप करके दिखाई मैं भी वही प्रेजेंटेशन दे सकता हूं। हम वापस आते हैं सवाल की तरफ, आपने बंदा का रिस्पांस रिकमेंड किया सर, मैं इधर सही बताऊं मैं किसी को सेल्स वगैरह के वाले से नहीं जानता कि मैं मुलाकात तो आपका तो जी 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 बिल्कुल, मगर आपका इंटरेक्शन तो हुआ सफर आपके साथ जी जी बड़े अच्छे, एक दिन में बंदा सर तीन भाई वो आप उस पे फाइनल करना हमारे पास क्यों कर रहे हैं बंदा दिला पे बता कौन कौन बता रहा है सोनी भाई सोनी कौन है सना सना हसन भाई वो उन्होंने हसन अली भाई मोहम्मद अली साहब और दानिश भाई इनके साथ इंटरेक्शन उनकी जो लोगों यानी कि आपस में कोऑर्डिनेशन और सबके साथ उस बेस पे जो शॉर्ट टाइम में मैंने स्टडी किया वो आपको मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ भी अच्छी गुफ्तगू मुझे अच्छा उन्होंने इज्जत माशाल्लाह सारी गुफ्तगू रही। तो आप जो मुझे शादमी देके भेजते हैं इस दफा मुझे नहीं भेजना, आपने इनको देना है इस दफा इनको देना है आपने, मैं नहीं आऊंगा इस दफा, ये मेरा भाई करेगा उसे एबल पहले से माजरा कर दूं कोई बात किसी को बुरी लगे, मगर अगर सर आप बताना चाहें
कासिम साहब को मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट बनाया और बहुत मैं ये समझता हूँ ये वो नाम है वो अननोन पर्सन है जिसने मंथ ऑफ अक्टूबर में जो सेल्स किए उसने अपने वर्सेस लास्ट ईयर को मद्देनजर रखते हुए उससे बेहतर काम किया हो उसका नाम आना चाहिए और कौन ये तो आपने आइडिया दिया कि कैसे निकालने चाहिए अक्टूबर का वो तो हमारे पास है वो बता सकते अच्छा वो तो मैं बता दूं मैंने कहा ना आप रिकमेंडेशन तो दे देना ऐसा हो सकता है कि जो हमने रिकमेंड किए बंदे वो भी जेल में बॉस मैं भी हो सकता हूँ मैंने अक्टूबर से वो तो आपसे अपने अलावा भी और बताए जी मुझे मिलना चाहिए नहीं ये कह के अपने अलावा चले ठीक है सर अली शान आपकी तरफ से विश बहुत मिले वैसे मुझे इसको एक दो बातें भी अपन ग्रुप में नहीं ना फिर रिगार्ड मिलता है जैसे चलते रहता है सर शावर के हवाले से ये जोन को देख रहे हैं तो सेल्स इनकी इंक्रीज भी हो रही है तो आप इनको कहते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें नवंबर में किसको देखते हैं नवंबर में भाई ठीक हो गए एक मंथ में भाई अब्दुल वाहिद भाई आप बताइए ये दानिश को बता देगा मैं आपके पास पूछ रहा हूं ये ख्याल में आदिल को मिलना चाहिए सर क्योंकि वो आपकी रिपोर्ट कर रहे हैं जो सीजन वाइज जो है ना इन्होंने जितने जल्दी भेजी जितने से मेरे ख्याल से लोकल में नहीं सर इसमें अच्छा एक बात तो है कि अगर देखिए अवार्ड दो है अक्टूबर और नवंबर के इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब ने काम नहीं किया इसका मतलब ये भी नहीं कि बाकी सब ने कोई मेहनत नहीं की बाकी सब ने भी मेहनत की है ये ज्यादा काबिल तरीके इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हिम्मत ही छोड़ दें ये भी एक होता है कि को बुरा लगता है वो बुरा भी नहीं महसूस कराना चाहते हैं किसी को बुरा भी ये आपने भी मेहनत की आप भी अच्छे साथी भी कर सकते हैं हम तो भाई आपको बताना चाहते आशा आपको बात अली शान इसकी क्या वजह है बहुत अच्छा काम किया इस वजह से अली शान की अली शान के तो वोट मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा होगा अली शान ने कहीं बास में आते हुए पैसे तो नहीं लगाए कि भाई मेरे ही आदमी नाम ले लो ये आप सब कुछ कह रहे हैं गाँव गाँव से सबको मिलना चाहिए काफी आपने शिवाज शरीफ उतर आके कह दिया खिताब कर दिया मिसाल पिछले साल तो आप बात बता रहे तो क्यों क्यों बता रहे सेले देखिए मैं देखो मुझे बताए क्या सिले में फर्क है सर पिछले साल की निस्बत इस साल सर जी मुझे मिलना चाहिए मेरी शादी इस महीने में आपको आपकी शादी की बहुत बहुत एडवांस को मुबारकबाद हो हमारी दिल की तमन्ना है आपके साथ है मगर ये नहीं है दूसरी बुराई इमरान साहब के लिए था मगर आए नहीं है उन्होंने उनके लिए रखा था इसको भी छोड़े टाइम ही मेरे पास कम है हमजा साहब आपसे सवाल है तो बलूचिस्तान के बारे में ऐसी तीन बातें बता दें जो हमें ना पता हो ये कुछ तीन अच्छी बातें बता दें बलूचिस्तान के बारे में जी बॉर्डर का सामान ज्यादा मिलता है मतलब पानी का सामान बॉर्डर कोई ऐसी चीज बलूचिस्तान के बारे में के ऐसी ये दिस मेक यू एज अ प्राउड ब्लोच क्या चीज है जी ड्राई फ्रूट और पिकनिक पॉइंट और बलूचिस्तान के लोग बहुत मेहमान वाले नंबर वन मुझसे पूछेंगे ना रैंक में तो मैं केबी के टू पे रैंक करूंगा नंबर वन बलूचिस्तान के लोग
यानी बाकी जो शहर हैं मुल्तान सब कुछ कराची के बारे में तो आपने बात नहीं करी कराची के लोग सुनने पर मतलबी होते हैं अब तो भाई भाई आप चावल के बारे में बताएं मैंने आपको आपको बताया था सर जिस तरह ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग मेहमान नवाज इसी तरह पिशावर के लोग भी बड़े मेहमान सही और पिशावर जो है ना छोटा शहर है लेकिन पूरा केबीके कर लें केबीके कर लें पूरे केबीके में बताएं एक तो आपका चश्ती तिक्का बड़े मशहूर है और आपको चीज बताएं इसके अलावा सर चब्बी कबाब बड़े मशहूर है क्या बात है वेरी गुड सर दूसरी है उसके चप्पल मशहूर है मशहूर है इसकी तो पहले वलियों का शहर है वली बहुत मौजूद है वहाँ पर वली थे मुराद पीर वगैरह दूसरा तारीख है इमारतें वहाँ पर बहुत हैं सखन ब्राज है लेस डाउन ब्रिज है जो दो ताल से पिलर है सेवन सिस्टर का मजार है और पूरा सेंड कर ले सेंड में बता दो कोई और तारीख कर दो नहीं हसन भाई को खड़ा करना पड़ेगा कराची के लिए जल्दी से बता दो और क्लब मजार बात बता दो एनआईसीबीडी हॉस्पिटल सखन भी मौजूद है जो कि बहुत कम सिटीज में पाया जाता है सही मतलब होता है यानी कि बीमार होने के लिए सखन बहुत अच्छी है जी सर एक और भी चीज़ है से एक आपकी और भी बहुत अच्छी चीज़ है सक्कर वो जो अमाम हजरत अमाम हुसैन का वो बाबे करबला है बाबे करबला वो वहाँ की तारीखी करबला निकलती है वहाँ से 500 साल पुरानी और पूरे सिंध को रिप्रेजेंट करती है सिंध की एक ऐसी बात बता दें सिंध में बहुत मेहमान नवाजी अच्छी है कराची के बारे में सबसे ज्यादा वहाँ की बिरयानी बहुत मशहूर है गुटका भी बहुत मशहूर है गुटका बिरयानी और चोरी दोनों कराची और भी बताया पहले खाते समंदर है और गुटका भी फेवरेट है सर गुटके के साथ भी बैठे अच्छा महंगाई आपके सामने वैसे तो वाली बात थी मगर हमने साल के साथ कुछ आप कहना चाहते हैं सर होटल वन वाले अंकल भाई आपको बुला रहे हैं आप सुन ही नहीं रहे हमारी बात आप भी तो ऐसे जा रहे हैं जैसे हम आपसे आप इंतजाम मांग रहे हैं जी कुछ कहने जा रहे थे आप इसने कराची की बातें सुन वो बात नहीं थी कि थोड़ी मैं भूख लगी हम नहीं सर फैमिली से काफी जो वो अडोर की प्रोडक्ट्स महंगी है डेढ़ बड़े साल में बड़े तो फील नहीं होता नहीं सर जो लेते हैं उनको समझ आ गई ये तो बेचते हैं ना ये तो बेचते हैं ना जो लेते हैं उनको फील होता है क्या रेट सजेस्ट करते हैं सर जी कम नहीं कर सकते ना हम रेट अपने कंपटीटर ब्रांड के नीचे रख के चलना है हमने तो सही है कैसे 200 पे भी हमारा काम उठा रहे हैं 220 ठीक है हर चीज महंगी हो रही है हर चीज महंगी हो रही है ये कैसे लोग हैं ये सब मुझे कहते हैं यार रेट बहुत ज्यादा है देख ले यार देख ले जरा इतनी लाइफ करती है अब ये सब कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है मुनकर हो गए इधर आके सेल नहीं हो रही सर रेट इतना बढ़ा रहे हैं आप लोग का जो निचला ट्रेन दर्जा है वो मुनाफे के लिए सेल कर रहे सर सैंडविच वापस करवा देते मैं उनके साथ कह रहा हूं बहुत कह रहे मुझे कुछ कहते हैं बॉस हमारा डिफरेंस चल रहा है 20 रुपए का ओलिविया से भी सैमसंग से भी ब्लैक रोज के बराबर चल रहा था 260 का वो जब आएगा वो तब की बात है साहब में बैठे हुए अभी 240 रेट हुआ है तो हमारा डिफरेंस ना 20 रुपए का चल रहा था 160 180 190 या इसी तरह तो हमारा 20 के डिफरेंस से 220 आएगा तो आने वाले वक्त में बात है ना बात भी ठीक है महंगाई बढ़ रही है हमारी
एक जनरल मसला है क्योंकि ना एक जगह पर मैंने कंडीशन पढ़ी थी, मेरा कोई क्रेडिट नहीं, जगह मैंने कंडीशन पढ़ी थी, मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ करूँ शेयर करूँ जी जी ये पॉइंट क्या था बोला वो वैल्यू वाली को मुझे डायरेक्ट बता दे ताकि मैं पॉइंट शेयर करूँ कोई एक बंदा अगर वो दिखाए ये वही बात है जो हमारे गुमराह करते हैं ठीक है तो मैं तो जगह था ही नहीं तो मुझे वैल्यू के बारे में कोटेशन पढ़ा दे वो मैंने दो तीन दफा चार दफा रिपीट भी की थी ये लिखी थी आप पूछ लेते आप पूछ लेते हैं उसमें वैल्यू क्या लिखा है ये वैल्यू जी लिखते नहीं है ना जल्दी से बता दे लिखा कर मुझे चलो छोड़े यार आप उनकी बस की बात नहीं आप बता दें वैल्यू हैज अ वैल्यू ओनली इफ इट्स वैल्यू इज बीइंग वैल्यू वैल्यू हैज अ वैल्यू इज इट बीइंग ओनली इफ इट्स वैल्यू इज बीइंग वैल्यू इसका ना मतलब हम एंड पे समझेंगे ये कोई मेरे भी पढ़ते सुना रहे नॉट बीन सॉरी ऑफ द बाय सर आप थ्री कोटेशन है हेड फॉर द लॉयल ताज वुड हैव नॉट बीन सो ब्यूटीफुल इफ शाहजहां आस्क फॉर थ्री कोटेशन एंड डिसाइडेड फॉर द लॉयस्ट ये क्या ताज वुड ताज वुड ये क्या कह रहे हैं बहुत खूबसूरत है ताज वुड भाई आपके साथ सर आप ये दें ताजमहल बहुत खूबसूरत खूबसूरत ना होता शाहजहां अच्छा सो ब्यूटीफुल इतना खूबसूरत ताजमहल इतना खूबसूरत ना होता अगर शाहजहां ने तीन कोटेशनें मांगी होती और सबसे सस्ती वाली के साथ जाता ऐसा क्या मतलब हुआ जो सबसे कम प्राइस हर दफा चीज की होती है हम मीटिंग के पीछे क्या क्वालिटी 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 जो थी ता इसको भी दोबारा से समझा दे कोई आप इस लाइन में से पूरा को समझा ये वाली लाइन को समझा गली पे दिया मैं मीटिंग के कहां पर नाजिर साहब वहां पे बैठे हुए आप 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 सिखाएंगे कि क्या पॉइंट है मैं बस टाइम मेरा कम रह गया जी नहीं नहीं आप भी बात करो नाजिर साहब सीनियर है सर ताजमहल बेसिकली खूब खूबसूरत है एक ताजमहल खूबसूरत बिल्डिंग है बिल्डिंग है जब तक भी शाहजहां कहते भी जब तक इसमें तीन चीजें जो डिसाइडेड जो उसने की है लोग उसमें ना होता तो तब तक इसका कोई फायदा नहीं था ये इसमें कह रहे हैं कि ताजमहल इतना प्यारा ना बनता अगर ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां ने तीन ठेकेदारों से रابطہ किया था और उसमें से जिसने सबसे सस्ता रेट दिया होता अगर उसके साथ ये जाते ना तो इतना प्यारा ना बनता यानी कि लोग उसमें प्राइस में प्रोडक्ट उसमें वो इसमें भी अगर लोग उसके साथ नहीं गए इसीलिए इतना प्यारा बना मैं भी कुछ आपको बता रहे कुछ कहना चाह रहे बैठ के बैठ उसके बैठ के फिर वो वॉशरूम जाना बाबा टाइम कम है सर शाहजहां ने जो अपनी सोच रखी थी कि मैं इसको आगे तक लेके जाऊं इसको लेके चलो ओके देखिए ना कि उस टाइम जो उसने सोचा था आज दिन तक ये खड़ा हो आगे भी चले तो उसको उसने प्रोजेक्ट को बनाया कि इस प्रोजेक्ट ऐसी चीज लगे जो एक लंबे अरसे तक चले वैसे तो बिल्कुल ठीक है मैं वैसे साहब की बात हो गई ऐसा है कि मेरे रेट आते हैं ज्यादा गए थे जब तक वो बोल ही रहे अब रेट वाली बात कर दी ना आपने यहां यही कह रहे बता जा रहे जी जी सर जी जी खेलेंगे खेलिए ना आपके साथ खेली जी पिछले दफा बोलिए आपने खेलेंगे खेली थी सर पिछले दफा खेली थी ना जी कितने लोग कहते खेली खेली थी वो भी खेली थी खेली थी खेली थी तीन लोग तो नहीं आए हाँ अच्छा टीम में टॉप ऑफ द माइंड मैं ब्रांड पूछा था कोई चीकू जो जगह पूछा जो ब्रांड है वो आपने बता रहे हैं मोबाइल सैमसंग आईफोन आईफोन वन प्लस एचपी HP. Acer. Acer. ये कौन सा? ये भी Apple है ना? Apple. Apple. Apple.
पैम्पर खुद ही ब्रांड है, नोकिया डॉलेंस मिस्टर हालांकि आपको पता फ्रिज एक ब्रांड का नाम है, ये रेफ्रिजरेटर है, मगर ये इतना ज्यादा मशहूर कर रही है, पहले बोले सर कर गाड़ी कौन सी देर में आती है बाबा जी ने पापा जी ने पिज़्ज़ा अटाली पापा जी ने पापा जॉन ने यार पापा जी ने अटाली पापा जॉन ने जल्दी से पापा जॉन गाड़ी के बारे में बता दे रोडवेज अभी मुझे कान साहब एक शिकायत कर रहे थे, कहते कि उनका टाइगर में ना उन्होंने तस्वीरें भेजते रहे तो तस्वीर भेजी तो उसमें कह रहे थे कि शिया बटन तो सीधे तो कम से कम रखाते हैं, तस्वीरें भेजते हैं सीधे करके रखाते हैं, प्रोडक्ट खराब हो जाता है उससे, उल्टा होगा तो वो लाजी बात है, पिघलेगा डिस्प्ले में होगा वो खराब होगा, कोई पूछेगा तो सेम ना कह रही कि है क्या। अच्छा आप लोग एक बात बताएं कि आपने तो बोला कि बॉम्ब हमारे सेल में है, ठीक है, ऐसी बात हुई इसमें एग्री हुआ ना, इसकी वजह क्या है, ठीक है, क्या वजह है सेल में मेन बॉम्ब हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब हमारा सेल में क्यों, क्यों वजह क्या है, बुरी तो प्रोडक्ट वो लोगों को जगाता है, वो लोगों को जगाता है वो। मार्क जुकरबर्ग का तो पता है ना आपको, मार्क जुकरबर्ग बेसिकली फेसबुक पर उसने एक बात की थी कि पीपल इन्फ्लुएंस पीपल, लोग एक दूसरे को मुतासर करते हैं, तो जो बेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है ना, बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग वो क्या है, वो है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ को बड़े कहते हैं अपने जुबान से चीजें बताए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ये सारी राइटिंग थी इसमें फर्क आ गया, असल ताकत किसमें, अल्फाजों में। मिसाल के तौर पर मैंने गाड़ी लेनी है, अब मुझे नहीं पता चल गया तो उमैर भाई को गाड़ी को पता है, मैं एक दफा मशवरा करूंगा, देने लगे मिसाल के तौर पर आपको कोई बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तहकीक करते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर है, डॉक्टर उसकी प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्रिप्शन है, मैं तो शुरू हो गया, आपको तो पता ही नहीं, मैं मेरी तरफ से लगे तो मैं तो हर डिस्कस करता हूं, मगर वो तो अलग मजा है ना, आपने जिस तरह मुझे समझाया मैं तब समझने में कौन आज तो बात नहीं तौबा, मगर हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों का ना ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट होता है, वैसे इनका केस ये को पता है कि ये क्यों कह रहे हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, इनका ना उनके ना गले का टॉक्सिस का सीरियस इशू है उमैर भाई के, और ये सर्विसेज में गए तो उन्होंने उनको गलत मेडिकेशन दे दी है, उसने इनको बीपी शूट कर गया जिसकी वजह से उनके ब्रेन में डैमेज हो गया थोड़ा सा, तो इनका बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम रही थी, अलबत्त हमारे पास हॉस्पिटल में डॉक्टर ज्यादा है, और ई एन टी सर्जन है बहुत अच्छी, एक होता है ई एन टी डॉक्टर होता है, ई एन टी सर्जन होता है, वो मेरी ई एन टी सर्जन है, सिपा अल्लाह पाक ने देनी उसके बाद उनको डॉक्टर ज्यादा है, अल्लाह पाक के बाद डॉक्टर ज्यादा है, तो वो इज ऑफ द वेरी गुड डॉक्टर, हमारे सर्जन भी है, नेक्स्ट ईयर गले की सर्जरी वगैरह भी वहाँ पर होती है, वो भी करते हैं, ये लाइव भी समझा देता है। अदीब भाई आप भी बोले, आप लगे बोलते होते हैं,
People influence, people nothing. मुझे समझा दे क्या क्या है, इंग्लिश का क्या करना है मुश्किल, आधा घंटा आपको भी लगना है मुझे भी लगना है, मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है आपकी भी नहीं, हम दोनों क्या करें, कुछ समझा दे साल करके दानिश भाई समझा दे। दानिश भाई सर भी आ गई ये तो हमारे गले चोटी हो जाए ये बात बेसिकली वही वाली है, वो जो रात को नहीं जानता, लेकिन $100 का नोट है चाहिए सबको, कौन हाथ उठाए कौन करे, अलका स्त्री लोग कोई इसको समझा सकता है। पीपल इन्फ्लुएंस पीपल, लोग एक दूसरे को मुतासर करते हैं। नथिंग इन्फ्लुएंसेस पीपल मोर देन अ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ ट्रस्टेड फ्रेंड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जिस दोस्त पे आप भरोसा करते हैं उससे ज्यादा किसी की रिकमेंडेशन, किसी की दलील को आप कदर नहीं करते। तो जो सबसे कदर वन है, ओपिनियन है, मशवरा है, वो आपको मिलता है आपके दोस्तों। दोस्त कैसे बनते हैं? गैदरिंग करने से, मिलने से। माचे साहब ने बताया था, आप लोगों को बताया था, नेटवर्किंग से, लोगों से मिलने से, पीआर। जब हम पीआर बनाते हैं तो हम खाली पीआर नहीं बनाते, हम अपनी दोस्तियां बनाते हैं। जब दोस्त बनाते हैं फिर हम चीज को कायल करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है ना, वो टीवी एड भी नहीं है, वो दुकानदार भी नहीं, वो आपके अल्फाज है। इससे अच्छी कोई मार्केटिंग नहीं है। जितने एलिमेंट्स है ना, ये सारे आपको सपोर्ट करेंगे। असल जान आपके मुंह में अल्लाह पाक ने दिए, और वो हली कोई भी नहीं है, ये सारे सपोर्टिंग है। अब टीवी ऐड इतने चैनल कौन देखा कि इतने मुझे मारी ऐड नजर ही नहीं आई, उन्हें तो ऐड ही नहीं आती। पर वो कोई आपको होने वाली चीज थी, मैं किसी को मिस नहीं करना चाहता। हसन भाई आप मुझे बताइए क्या है? No matter how good you are, you can always be replaced. इसका मतलब क्या? मतलब कि मैं कितना अच्छा ही नहीं, मैं अपनी जगह किसी को रिप्लेस कर सकता हूँ। नहीं, कोई और मजेदार लाइन में करके बताए ना, कोई ऐसी जानदार बात हो। फारूक भाई मुझे पता सबसे अच्छी बताते हैं, मगर मुझे कोई चाहिए, हमजा भाई आपके साथ देना चाहिए। कोई मसला नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। पर जो फर्स्ट दूसरी लाइन में बता दें, पर आप जितने भी अच्छे आप अच्छे आ सकते हैं, पर आप हर बार अच्छे तो नहीं, कोई मसला नहीं, आप जितने भी अच्छे हैं अगली लाइन में, मगर आप जितने भी अच्छे हैं आगे भी बदले जा सकते हैं। कोई मैटर नहीं कि आप कितने अच्छे हैं, यू कैन ऑलवेज बी रिप्लेस, आप किसी की किसी से भी रिप्लेस हो सकते हैं। मुझे कोई मजेदार लाइन बताई, मैं दूं साथ जी। मिसाल के तौर पर कहते हैं इसका मतलब कि कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, हमेशा आजिज़ी में रहना चाहिए। असल ताकत तो आपको अल्लाह पाक ने दी, बेशक बेशक सर। वो अगर वो इतना चाहे तो आप चाह भी नहीं सकते, तो ये तो अल्लाह का कर्म है कि बात बनी हुई है। वरना तो इंसान क्या है, वो दुआ के मेल में क्या कहते हैं, और तूने मेरी कैसी कैसी नीचे लोगों के दिलों में डाल दी जिनका मैं अहल नहीं था, वो लोगों तारीफ लोगों के दिलों में डाल दी जिनका मैं अहल नहीं था। तो असल तो अल्लाह पाक की जात है जिसने अल्लाह पाक ने इज्जत दी हुई है। और हमारे पास आखिरी दोस्त कहते रह गए, बैठे बैठे अगली बजे ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लोज कर देना बस। एक और बात है जो मैं करके इसको क्लोज कर रहा हूँ, वो ये है कि हमारा ब्रांड मिड इन पाकिस्तान है, ये हमारा ब्रांड, हमें इस चीज़ में प्राउड होना चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, हमारा सब कुछ, हम लोग खुद पाकिस्तानी है। एक चीज़ है, मैं मुझे इंडियंस में बहुत अच्छी लगती है, आपको शायद बात वही लगे, लेकिन इंडियंस में चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी है कि वो मेड इन इंडिया को बहुत सपोर्ट करते हैं, इंडिया को बहुत सपोर्ट करते हैं, इंडियंस के लिए आपस में दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, वहाँ पे पूरी नेशन एक दूसरे को सपोर्ट करती है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, हमें दूसरे को सपोर्ट करना नहीं आता। हम नहीं चाहते कि यार हमारे मुल्क की भी चीज़ बाहर है। आप ना अमेरिका चले जाए, नेशनलिटी ले लें, आपने रहना पाकिस्तान में, जो मर्जी जाए, अल्लाह पाक ने अगर इस मुल्क में पैदा किया तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क को बेहतर करें, ये हमारा भी राइट है। मैं वो मेरे खाला के बेटे में उस गैन है, उससे मैं बाद में कहा बाहर नहीं चले जाते, आप दुबई शिफ्ट हो वहाँ पर, तो ये कहा कि यहाँ फ्यूचर ही नहीं है, करेंसी डिवैल्यू हो गई। कहते मैं पाकिस्तान के लिए कुछ समझ जाता, मैं जिस मुल्क में पैदा हुआ मुझे अपने मुल्क से प्यार है, मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा पाकिस्तान में 14 अगस्त भी नहीं मनाते, इंडिया में ना मनाते हैं, इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया में अपनी चीज़ें लेते हैं, यार इंडियन चीज़ें लेते हैं, वो प्राउड के साथ लेते हैं,
हम लोग क्या करते हैं, चाइना में ज्यादा लेते हैं। अब इंटरनेशनल चीजें महंगी इतनी हो गई, बारे में नहीं रही जिस वजह से लोग ले रहे हैं। ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट है हमारा भी चीज पर ट्रस्ट, क्योंकि हमें दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। सेम मैंने होता है हमें दूसरे को वोट देते, मगर नहीं यार ये बंदा तो ठीक है, मुश्किल हुआ हमारे लिए। उसके बावजूद अभी शामिल करते ज्यादा वोट देंगे, बड़ी बात है भाई, आप बड़े अच्छे दोस्त बना देंगे, हमारी स्लाइड भी खत्म और हमारा लेक्चर भी खत्म और इसकी बैटरी भी खत्म और इसका सब कुछ खत्म। ये तो अल्लाह पाक करे मैं कि अपना स्लाइड निकाल लिया, इससे आगे भी जी थैंक यू भाई। अच्छा, तो इसके साथ नमाज का भी टाइम हो चुका हुआ है और आप सबका शुक्रिया कि आपने एक अच्छा सेशन किया। कोई सवाल जवाब कोई है तो कर सकते हैं। ब्रेक करनी है नमाज की, नमाज के बाद दूसरा सेशन है, उसके बाद फिर सेकंड सेशन होगा, फिर आगा साहब आ जाएंगे, आ साहब वो फिर कब तक आ रहे हैं, आने वाले बस नमाज वगैरह पढ़ लेना, यानी कि जो आप आएंगे फिर सेशन शुरू होगा ना हमारा, तकरीबन समझ आ गया आपको। अच्छा बस ठीक, उसमें नमाज वगैरह जिन्होंने पढ़नी है वो पढ़ लें। 5:15 हो गए हैं, हम क्या कितने बजे टाइम रखते हैं, 5:45 का टाइम आप ब्रेन में रखें, 5:45 से 6 बजे अपने रूम में, अपने रूम में ना जाना कोई भी कराने के लिए, नहीं सर वॉशरूम से आए क्योंकि उसके दौरान किसी ने उठ के नहीं जाना ना, वॉशरूम नीचे होंगे, वॉशरूम जाना है, भी जाना है वो भी चला जाए, रूम में जाना प्रॉब्लम है, फिर वो बहुत साइडों पे है इनका ना। किसी के पास कोई सवाल किसी हवाले से, कोई कोई और क्वेश्चन इसके बारे में, सर आपने वॉशरूम और डिजिटल मार्केटिंग का बताया और फिर वो आपने कहा था फेलियर इज ऑन स्टार्ट, फेलियर इज ऑन स्टार्ट नाकामी यतीम है दूसरा सवाल आता है नाकामी यतीम है, इसका मतलब क्या है कि जब आप नाकाम होंगे ना किसी ने आपको साथ नहीं देना और चलो कोई लाइन नहीं है, मगर सिर्फ आपके टेंशन के लिए मैंने कहा था कि ये साथ है। और थर्ड था वैल्यू हैज अ वैल्यू ओनली इफ इट्स वैल्यू इज बीइंग वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि जब आप चीज की कदर नहीं करेंगे तो दूसरा कोई भी नहीं करेगा, चीज आपकी कोई भी कदर नहीं करेगा, तो हमेशा कदर करें, सबसे पहले कदर करें उन नेमतों की जो अल्लाह पाक ने आपको दी है, जब आप उन नेमतों का एहसास कर सकेंगे फिर दूसरी चीज ये नेमत है कि अल्लाह पाक ने मुकम्मल आजाद के साथ इंसान को तखलीक किया, ये भी खुदा का एहसान है। फिर एक और एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, ये भी अल्लाह का एक खास करम एहसान है, ये ना होता तो शायद वो मुश्किल लगा। इतने जब करम के बाद अल्लाह पाक ने किया तो हमेशा ही जो अहले जब जितना मांगा तभी कैसे मुमकिन है तुझसे मांगू तुझे अदा ना करें, तो हमेशा अल्लाह पाक से दुआ मांगते रहें क्योंकि जब खुदा ने इतना कुछ दे दिया तो उसकी कोई कमी नहीं। तो इसके साथ चलते हैं ब्रेक पे, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया सर। नो से बुलानी।